नमस्ते, आप देख रहे हैं ANI। मेरा नाम नमन यादव है। 27 जुलाई 2024 को दिल्ली के ओल्ड राजेंद्र नगर के एक कोचिंग सेंटर के बेसमेंट में पानी भर जाता है। 3 बच्चे वहाँ पे मर जाते हैं। वजह, वो बेसमेंट इलीगल था। वहाँ पे जो लाइब्रेरी चल रही थी वो भी इलीगल थी। 3 बड़े सवाल जो अभी हमारे सामने उठ रहे हैं। पहला, हु शुड बी ब्लेम्ड फॉर दिस? इन 3 बच्चों के मृत्यु का जिम्मेदार कौन है? दूसरा, क्या कोचिंग सेंटर्स, क्या कोचिंग इंस्टीट्यूट्स सेफ्टी नॉर्म्स को ताक पे रख के से सारे काम कर रहे हैं? तीसरा, क्या कोचिंग सेंटर्स सिर्फ और सिर्फ पैसा कमाना चाहते हैं? क्या यही मकसद रह गया लोगों का? इन सारे मुद्दों के बारे में बात करने के लिए हमारे साथ हैं विकास देवी कीर्ति जी। थैंक यू सर, थैंक यू आने के लिए ANI में। शुक्रिया नमन। सर, पहला सवाल यही, ऐसा क्यों लग रहा है कि सबने आपको निशाना सा बना लिया है? और एक सवाल और पूछना इसी के साथ, 3 दिन हो गए हैं सर, हज़ारों बच्चे हैं प्रोटेस्ट कर रहे हैं, धरना दे रहे हैं, जस्टिस की मांग कर रहे हैं, लाठियां खा रहे हैं, डंडे खा रहे हैं, पूछ रहे हैं कि विकास जी चुप क्यों थे? तो 2 सवाल हैं, एक तो कि मैं चुप क्यों था, और दूसरा कि पहले सवाल पर क्या पूछा, कि ऐसा लग रहा है कि सबने आपको निशाना साध दिया, मुझ पर क्यों निशाना साध दिया? एकदम अर्जुन की आँख की तरह, उन्होंने मछली की आँख की तरह आप पे निशाना साध दिया। मुझ पर निशाना इसलिए साध है कि ऐसे मामले में कोई एक बलि का बकरा सबको चाहिए होता है, उससे चीज़ें थोड़ी आसान हो जाती हैं। प्रशासन के लिए आसान हो जाता है कि हम बच गए, एक का नाम लगा दो। समाज को भी एक सीधी सीधी बात समझ में आती है कि अच्छा अच्छा एक आदमी मिल गया, यही जिम्मेदार था, तो वो तसल्ली मिल जाती है कि चलो हमें दोषी मिल गया। और जो कॉम्पिटिटर्स हैं उनको ये लगता है कि अच्छा मौका है, इसी में स्कोर सेटल कर लिया जाए, हिसाब बराबर कर लिया जाए। जो बच्चे हैं, बच्चे जिस इमोशनल टर्बुलेंस से गुजर रहे हैं, उनकी नाराज़गी की वजह ये है कि मैं उनके साथ क्यों नहीं खड़ा हूँ। तो बच्चों की नाराज़गी जायज़ है, लेकिन जो सीलिंग का एक्शन है, मेरे ख्याल से 50 से ऊपर इंस्टीट्यूट्स पे हुआ, उसमें एक नाम हमारा भी है, पर शायद उनको मुझसे ज़्यादा उम्मीद थी, इसलिए उनको खराब लगा, हर्ट हुए, तो नाराज़गी पूरी मुझ पे फूटी है। और मैं इस बात से बहुत संतुष्ट हूँ, अच्छा महसूस कर रहा हूँ कि सारा रोष मुझ पर है। कम से कम मैं इस बात को लेकर निश्चिंत हूँ कि वो मानते हैं कि मुझे उनके साथ और सही पक्ष में खड़ा होना चाहिए था, तो इसके लिए मैं कृतज्ञ हूँ कि उन्होंने इतना गुस्सा मुझ पर किया। मीडिया ने गुस्सा क्यों किया? क्योंकि चैनल्स को व्यूज़ चाहिए, और जिसके नाम पे व्यूज़ मिलते हैं, अभी तुक्के से पिछले कुछ समय से मुझे व्यूज़ मिल रहे हैं, तो मेरा नाम लिख के गाली देने में व्यूज़ ज़्यादा मिलते हैं, इसलिए मेरा नाम सबसे ऊपर रहता है। तो सबकी अपनी अपनी वजह है, जैसे आज़ादी की लड़ाई में वजहें सबकी अपनी अपनी थी, उन सबका नाम था आज़ादी, अंग्रेज़ों से मुक्ति। तो इस मामले में भी वजहें सबकी अपनी अपनी हैं, लेकिन सबके पास एक सुविधाजनक नाम है कि उसको गाली दो, कुछ कुछ वर्चुअल मॉब लिंचिंग जैसा करो, और सुख भी मिलता है, जब हम किसी को गाली देते हैं तो सुख तो मिलता ही है। तो सब इसलिए पीछे पड़े हैं, सबकी अपनी अपनी वजह हैं, लेकिन ठीक है, जब यूट्यूब ने, सोशल मीडिया ने मुझे प्रसिद्धि दी पिछले 3-4 साल में, मुफ्त में इतनी सारी प्रसिद्धि मिली, तो क्या होता है कि जब कुछ मिलता है तो हमें लगता है कि हम डिज़र्व करते थे, और जब कुछ विपरीत होता है तो हमें लगता है कि मेरे साथ ही क्यों हो रहा है। तो जिस तर्क से लोगों ने इतना स्नेह दिया, उसी तर्क से लोगों ने इतनी नाराज़गी मुझ पर उड़ेली। लोग एकदम ठीक हैं, गुस्सा एकदम जायज़ है, पर मेरी अपनी वजह है कि मैं इतना लेट क्यों हुआ। दूसरा सवाल आपका ये है कि मैंने इतने समय तक कोई प्रतिक्रिया क्यों नहीं दी। इसकी 2 वजह हैं, एक तो मेरा स्वभाव, क्योंकि मैं भावनात्मक मामलों में बहुत मुखर और एक्सप्रेसिव नहीं हूँ। 3 बच्चों की डेथ हुई, दर्दनाक मृत्यु हुई, उस दिन से मेरे घर में हम लोग, आपको बड़ा आश्चर्य होगा, जो पिछले 2 दिन में हो रहा है उससे मुझे परेशानी लगभग नहीं के बराबर है। सारे चैनल्स मेरे पीछे पड़े हैं, इससे मुझे परेशानी नहीं के बराबर है। मेरे परिवार में लोग अचंभित भी रहते हैं कि मैं इतना सामान्य कैसे रह लेता हूँ।
मुझे ज़्यादा चिंता दूसरी बात की है कि 3 दिन से हम घर में जब बात करते हैं या सोने जाता हूँ, नींद के नज़दीक पहुँचता हूँ, तो बार बार एक इमेज बनती है कि जब पानी भरा होगा तो उन बच्चों पर क्या गुजरी होगी, क्योंकि एक दो बार ऐसा हुआ कि नदी में तैरते हुए पानी नाक में भर गया, एक दो सेकंड्स के लिए डूबते डूबते मरे, मतलब बचे, कितना पेनफुल होता है वो 2-3-5 सेकंड, जो हम तो खैर 2-3-5 सेकंड में फ्री हो गए, निकल गए उससे, पर उन बच्चों ने तो कम से कम 1-1.5-2 मिनट, मुझे नहीं पता कितना समय इस चीज़ का होता है, लेकिन लगभग इतना होता ही होगा, झेला ही होगा। उम्मीदों की जब आखिरी कड़ी टूटी होगी, जब टेबल पर चढ़े होंगे बचने के लिए और पानी इतना सारा आ गया होगा, मेरी इस पूरे प्रकरण में मूल चिंता उस अनुभव को महसूस करने की है, और वो दुख है। तो ऐसे दुख में उनके पेरेंट्स को मैं जानता नहीं हूँ, मैं उनसे कैसे अपनी बात कहूँ, कैसे उनसे मिलूँ। दूसरा, जो विद्यार्थी इस समय आंदोलन में हैं, उनकी सारी बातें जायज़ हैं, लेकिन वो जिस उम्र में हैं, जिस गुस्से में हैं, थोड़ा सा ये भय भी होता है कि अगर हम जाके बात भी करें तो उस समय वो पूरी बात सुनेंगे या नहीं सुनेंगे। अच्छी बात है कि आज ऐसे 3-4 बच्चों से मेरा मिलना हुआ है, मैं भी एक मीटिंग से आ रहा हूँ, LG साहब ने बुलाई थी मीटिंग, उसमें कुछ बच्चे भी आए हुए थे और कई इंस्टीट्यूट्स के ऑनर्स भी थे, दिल्ली सरकार के आला अधिकारी भी थे, DDA से, MCD से, फायर डिपार्टमेंट से, चीफ सेक्रेटरी दिल्ली सरकार के वो भी थे। तो वहाँ थोड़े से बच्चों से मेरी, मतलब 1-to-1 नहीं, लेकिन हाँ मीटिंग के दौरान बातें हुई। अब मुझे लगता है कि वो सहजता है, हो सकता है कि मैं आज या कल में बच्चों से मिलूँगा। क्या दिल्ली सरकार का कोई मंत्री, जिस मीटिंग का आप जिक्र कर रहे हैं, LG साहब के साथ अभी चंद घंटों पहले हुई, क्या कोई दिल्ली सरकार का मंत्री भी था उसमें? नहीं, एक भी मंत्री नहीं था दिल्ली सरकार। ये मामला अभी LG साहब हैंडल कर रहे हैं, तो ब्यूरोक्रेट्स बहुत सारे थे, दिल्ली सरकार का कोई मंत्री नहीं था उसमें। अगर आप कुछ बता सके कि उस मीटिंग में क्या बातचीत हुई, किन मुद्दों पर बात हुई और क्या सहमति बनी? मीटिंग बड़ी अच्छी हुई, अच्छा लगा कि LG साहब भी और दिल्ली सरकार अब काफ़ी एक्टिव है। दरअसल उनको भी कुछ मामलों में क्लैरिटी नहीं थी, बच्चों की समस्याएं भी सुनी, ने कोचिंग इंस्टीट्यूट्स का अपना पक्ष क्या है वो भी सुना, कौन से ऐसे नियम कानून हैं जो कन्फ्यूज़न पैदा करते हैं वो भी सुना, सब नोट किया। उसके बाद एक छोटी कमेटी बनाई गई है, उस कमेटी में मैं भी हूँ, कुछ टीचर्स और भी हैं उसमें, अगर मैं ठीक ध्यान कर रहा हूँ तो दिल्ली के चीफ सेक्रेटरी भी हैं, DDA MCD के जो हेड्स हैं वो भी हैं। तो हम सब लोग अगले कुछ दिनों में कुछ मीटिंग्स करके इस समस्या का स्थायी समाधान निकालने का प्रयास करेंगे, और वो सुझाव सब लोगों ने दिए, मैंने भी दिए, और वो सब नोट किए गए हैं। कुछ बातों पर ऐसा लग रहा है कि अच्छा समाधान जल्दी निकल जाएगा। सर, आपके कोचिंग सेंटर की बात करते हैं, दृष्टि IAS की बात करते हैं, जो मुखर्जी नगर में जो कोचिंग सेंटर है उसको MCD ने उसका बेसमेंट सील कर दिया था। बच्चे आपके जितने भी स्टूडेंट्स हैं वो दोनों कोचिंग सेंटर, मुखर्जी नगर में हो चाहे करोल बाग में हो, वहाँ पे प्रोटेस्ट कर रहे हैं। कुछ बच्चे कल रात को आपके घर के सामने भी पहुँच गए हैं। बच्चों में बहुत आक्रोश है, वो जस्टिस चाह रहे हैं। कहीं ना कहीं आपको ये भी लगा है कि दृष्टि IAS से कोई चूक हुई है? मतलब ये कह सकते हैं आराम से कि चूक हुई है, और लेकिन वो चूक ऐसी नहीं थी कि नीयत हमारी खराब रही हो, लेकिन हाँ चूक हुई है नियमों के स्तर पर। इंटरेस्टिंग बात या विचित्र बात ये है कि अगर आप मुझसे पूछें कि दिल्ली में कितने कोचिंग इंस्टीट्यूट्स हैं, मेरा ख्याल है कि उनकी संख्या कम से कम 1000 तो होगी ही, शायद ज़्यादा होगा, 2000 भी हो सकते हैं, ज़्यादा भी हो सकते हैं। जो नॉर्म है फायर NOC की, एजुकेशन बिल्डिंग की, अगर आप मुझसे पूछें कि वो दिल्ली में कितने बिल्डिंग्स के पास हैं, मेरा अनुमान है कि 2000 में से शायद एक के पास भी नहीं है। एक के पास भी जी, ध्यान रखिए मैं जो कह रहा हूँ, फायर NOC फॉर एजुकेशनल बिल्डिंग। फायर NOC कई तरह के होते हैं, अलग अलग कैटेगरीज में होते हैं, अलग अलग चीज़ों के लिए बने होते हैं। ऐसा नहीं है कि कोशिश हमने या बाकी इंस्टीट्यूट से नहीं की, पर क्या होता है कि जब कोई हादसा होता है उसके बाद मोटी मोटी चीज़ें सतह पे आती हैं कि फायर NOC नहीं था या ये नहीं था या वो नहीं था, और जनता का आक्रोश फट पड़ता है। उसके पीछे की वजहें क्या हैं, परिस्थितियाँ क्या हैं,
वो सोचने के लिए, समझने के लिए धैर्य चाहिए, समय चाहिए। तो मैं असल में 3 दिन से ये भी चाह रहा था कि पहले सारी स्थितियाँ सामने आ जाएं, क्योंकि 1-1.5 दिन तक तो ये स्पष्ट नहीं हो रहा था कि कितने बच्चे थे, क्या स्थिति है। धीरे धीरे चीज़ें स्पष्ट हुई, तो फिर आज ये मीटिंग हुई, तो मेरा ख्याल है कि अब हम उन सब बातों पर ज़्यादा स्पष्ट रूप से बात कर सकते हैं। जहाँ तक बात है हमारी बेसमेंट की, हमारी बेसमेंट मुखर्जी नगर में थी, करोल बाग में हमारे पास 4-5 बिल्डिंग थे, उनमें से एक बिल्डिंग की बेसमेंट सील हुई है। बेसमेंट जो करोल बाग में थी वो अप्रूव्ड बेसमेंट है, अप्रूव्ड कमर्शियल बेसमेंट है, जिसमें NOC पर लिखा हुआ है कि उसमें ऑफिस चलाया जा सकता है, उसमें ऑफिस ही चल रहा था। पर अभी MCD पर जो दबाव था, उन्होंने इनडिस्क्रिमिनेट तरीके से सबको सील किया है, हमें भी सील किया है। नेहरू विहार में जो बेसमेंट थी, जिसको लेकर काफ़ी ज़्यादा शोर हुआ। दरअसल क्या होता है कि जैसी बेसमेंट की बात आई, तो सबके मन में बेसमेंट की एक इमेज बन गई है, एक छवि बन गई है। छवि ऐसी है कि एक छोटी सी बेसमेंट है, उसमें कुछ बच्चे बैठे हुए हैं, एक ही दरवाज़ा है, अगर वो बंद हो जाएगा तो क्या होगा, एकदम जायज़ बात है। जो नेहरू विहार की बेसमेंट थी, वो किसी घर की बेसमेंट नहीं थी, वो एक कमर्शियल मॉल है, उसकी बेसमेंट है, बहुत बड़े आकार की बेसमेंट है। उसमें एक नहीं, दो नहीं, 7 एग्जिट हैं, 7ों एग्जिट आपस में कनेक्टेड हैं। उसमें क्लासरूम्स थे, हर एक क्लासरूम के अंदर मैप लगे हुए हैं कि किसी भी इमरजेंसी में आप कहां कहां से बाहर निकल सकते हैं। हमारे स्टाफ के जितने मेंबर्स हैं, उन सब की ट्रेनिंग वहां पर लगातार होती है, फायर डिपार्टमेंट की मॉक ड्रिल्स वहां पर लगातार स्टाफ के साथ होती हैं। मैं अपने होशो हवास में ये बात कह रहा हूं कि हमें 3 दिन पहले जो इंसिडेंट हुआ, उसके पहले ये एहसास था कि वो बेसमेंट शायद दिल्ली के सबसे सेफ इंफ्रास्ट्रक्चर्स में से एक है, क्योंकि जहाँ तक फायर की बात है, और वो बिल्डिंग बनी है नेशनल बिल्डिंग कोड के जो लेटेस्ट प्रतिमान है उनके हिसाब से, क्योंकि वो बिल्डिंग हाल ही की बनी हुई, 10-12 साल पहले की बिल्डिंग है। जब वो बिल्डिंग बनी, क्योंकि हम उसके मालिक नहीं हैं, हम उसके टेनेंट हैं, जो उसके मालिक हैं, जब हमने उनसे पूछा, क्योंकि पिछले 1-2 साल से ये प्रोसेस ज़्यादा हुआ शुरू, हमने उनसे पूछा कि क्या आपके पास अथॉरिटी है, उन्होंने कन्वेंस डीट की कुछ चीज़ें अंडरलाइन करके दी, जो उन्होंने हाई कोर्ट में भी दिखाई। हाई कोर्ट में इस पर 1-1.5 साल से केस भी चल रहा है। DD और MCD के बीच में कुछ कन्फ्यूजन्स हैं, कई चिट्ठियाँ MCD ने लिखी हैं, कई DD ने जवाब दिए हैं। अब कोर्ट में कल फिर उसकी अर्ली हियरिंग होने वाली है, उसमें वो बात भी आने वाली है 28 अगस्त को, वरना वो हियरिंग थी 28 अगस्त को, फैसला वैसे भी होने वाला था कि ये अलाउड है या नहीं, उसके बाद हम शायद हटते ही। और पिछले 1 साल में हमने अपने स्टूडेंट्स को, न केवल क्लास में, मैंने बताया कई बच्चों को, अब जो एकदम लेटेस्ट वाले बच्चे हैं उनको छोड़ दें, क्लास में जा जा के सबको बताया कि ऐसा हो सकता है कि हमें इसकी परमिशन ना मिले, उस केस में हम शिफ्ट करेंगे। यहाँ तक कि उनसे, आज से करीब 1 साल पहले की बात होगी, उनसे हमने ऑनलाइन एक फॉर्म भरवाया कि उस केस में वो कहाँ जाना पसंद करेंगे, करोल बाग जाना पसंद करेंगे, यहाँ रहना पसंद करेंगे, या अभी तय नहीं कर पा रहे हैं, बाद में तय करेंगे। वो डेटा हमारे पास पूरा है कि उन बच्चों ने 1 साल पहले क्या क्या वोट भरा, और सहमति ये थी कि अभी सरकार में वो हाईकोर्ट में केस चल रहा है, जैसे उस पर कोई निश्चित निष्कर्ष आएगा, उसके बाद हम उस तरह से काम करेंगे। हमें ऐसा लगता था कि जो चिंता ज़्यादा फायर की है, और ऐसा पिछले साल हुआ भी था, दिल्ली में एक घटना हुई थी, कुछ साल पहले सूरत में हुई थी, अभी गुजरात में 2 घटनाएं और घटी हैं कि गेमिंग जोन में अचानक आग लगी। दिल्ली में जिस तरह की गर्मी इस साल थी, उस समय हम भगवान से प्रार्थना करते थे कि किसी इंसिडेंट में कोई हादसा ना हो जाए, क्योंकि इतनी गर्मी थी, रात दिन AC चल रहे थे, उतना लोड उठाना बड़ा मुश्किल होता है। मुखर्जी नगर की बात नहीं है, पूरी दिल्ली में जहाँ जहाँ कोचिंग इंस्टीट्यूट्स हैं, आप कहीं जाके सर्वे करके देखिए, अधिकांश इंस्टीट्यूट्स में केवल एक एंट्री एक एग्जिट है, एक ही रास्ता है। सबसे बड़ी चिंता, उसी रास्ते पर मीटर लगे हुए बिजली के, जो पिछले साल दिल्ली की एक संस्था में आग लगी, जिसमें कुछ बच्चों को 3rd फ्लोर से जंप लगाना पड़ा, चोटें लगी, लेकिन गनीमत है कि कोई कैजुअल्टी नहीं हुई। क्या हुआ था उसमें? एक ही रास्ता है, उसमें मीटर है, उसमें आग लग गई, धुआं ऊपर गया,
और शुरू में बच्चे ऊपर छत पे नहीं जा पा रहे थे, बाद में फिर दरवाज़ा खुला वो चले गए वहाँ पर, लेकिन तब तक कुछ बच्चे जंप लगा चुके थे। चाहे सूरत हो चाहे कुछ भी हो, मूल खतरा आग से होता है। और दिल्ली में जब गर्मी पड़ती है और जब जब सर्दियाँ पड़ेंगी, सर्दी में फिर हीटर चलेंगे बहुत ज़्यादा, गर्मी में विशेष रूप से एक महीना इतनी दिक्कत रहती है। और इस साल हमने पहली बार ऐसा किया, सॉरी मेरा गला थोड़ा ख़राब है, इस साल हमने पहली बार ऐसा किया कि गर्मियों में बच्चों को ये कह के लगभग 15 दिन या एक महीने की छुट्टियां दी, ऑनलाइन क्लास करवाई कि गर्मी ज़्यादा है, कहीं इस समय ऐसा ना हो कि एसी चलने से कोई आग लग जाए, हादसा हो जाए। ये पहली बार हुआ। और 3-4 इंस्टीट्यूट जो मेरे परिचय में थे उस समय, मैंने उनसे भी निवेदन किया था कि गर्मियाँ ज़्यादा हैं और कहीं कोई दिक्कत ना हो तो आप भी हो सके तो छुट्टियाँ करें या ऑनलाइन क्लास करें कुछ दिनों के लिए। हमारे जहन में ये बात कभी आई नहीं थी कि पानी भर सकता है। आज से 3 साल पहले केवल एक घटना हुई जब दिल्ली में यमुना का पानी बहुत बढ़ा। इस मॉल के पास में एक नाला है, करीब 50 एरियल डिस्टेंस 50 मीटर के आसपास या 30 मीटर के आसपास होगा वहाँ से, उसमें पानी का लेवल भरने लगा। जैसे उसमें पानी का लेवल भरने लगा, हमने अपने इंस्टीट्यूट में 7 दिन की छुट्टी कर दी कि जब तक ये नीचे नहीं जाएगा हम क्लास नहीं लेंगे। 7 दिन छुट्टी हुई, ऑनलाइन क्लास चली, बच्चे वहाँ चले गए। 3 दिन पहले जो घटना घटी उसके बाद पहली बार हमें ये रियलाइजेशन हुआ कि कहीं ऐसा भी तो हो सकता है, ये हमारे जहन में कभी नहीं आया था। और मैं MCED का तहे दिल से शुक्रिया करता हूँ कि उन्होंने सीलिंग कर दी है। और मैं चाहूँगा कि पूरी दिल्ली में जहाँ भी कोई ऐसी बिल्डिंग हो जहाँ अनसेफ तरीके से क्लासेस चलती हों, हमारी हो किसी की भी हो, स्ट्रिक्ट एक्शन हो, लेकिन एक पॉलिसी सरकार की तरफ से बन जाए जो पॉलिसी मतलब क्लियर कट हो, ट्रांसपेरेंट हो। जैसे भी फायर सर्टिफिकेट को लेकर बड़ी दिक्कत है, आप फायर डिपार्टमेंट से सर्टिफिकेट जब मांगते हैं पहली बात तो सीधे इश्यू नहीं करते, वो कहते हैं कि आप MCED के थ्रू आओ, DDA के थ्रू आओ। आज की मीटिंग में ये प्रस्ताव भी रखा गया और आज फायर डिपार्टमेंट ने कहा कि हमें ऐसी व्यवस्था बनाएंगे कि सीधे हमसे आप सर्टिफिकेट ले सकते हैं। फायर डिपार्टमेंट से सर्टिफिकेट मिलता भी है तो उस पर क्लियर क्या लिखा होता है, क्योंकि वो बिल्डिंग कमर्शियल है तो कमर्शियल सर्टिफिकेट है। MCED कहती है कि एजुकेशनल सर्टिफिकेट चाहिए। एजुकेशनल बिल्डिंग का सर्टिफिकेट टू द बेस्ट ऑफ माई नॉलेज दिल्ली में एक भी प्राइवेट संस्था के पास नहीं, केवल कॉलेज यूनिवर्सिटी स्कूल को मिलता है। और ये भी क्यों हुआ, क्योंकि 2020 से पहले DDA की भाषा में हम एजुकेशनल बिल्डिंग वाली एक्टिविटी में नहीं थे, हम कमर्शियल एक्टिविटी में थे। कोचिंग इंस्टीट्यूट्स GST के हिसाब से आज भी कमर्शियल एक्टिविटी है, और इसलिए जो GST में हमारा टैक्स जमा होता है वो कमर्शियल कोचिंग नाम से होता है, तो हम कमर्शियल एक्टिविटी हैं। कमर्शियल एक्टिविटी का मतलब है कमर्शियल बिल्डिंग में हम काम कर सकते हैं, हम वहाँ काम करते थे। जिस मॉल की बात आप कर रहे हैं उस मॉल के मालिक ने मुझे कई बार ये विश्वास दिलाया है कि कमर्शियल मॉल के तौर पर इसके पास NOC है। कैसे है, कन्वेंस डीड में लिखा हुआ है DDA इज़ गिविंग द कन्वेंस डीड ऑन द बेसिस ऑफ द फायर क्लियरेंस रिसीव्ड फ्रॉम द फायर डिपार्टमेंट, लेकिन बेसमेंट के पास पूरी क्लैरिटी ऐसी नहीं थी। इसका क्या जवाब दिया उन्होंने कि 2018 में जब FAR के रूल्स चेंज हुए, फ्लोर एरिया रेशो बोलते हैं, जब रूल्स चेंज हुए तो एडिशनल FAR उनको मिला है और एडिशनल FAR के लिए उन्होंने DDA में अप्लाई किया हुआ है कमर्शियल FAR बनाने के लिए। अगर वो कमर्शियल FAR है तो कमर्शियल एक्टिविटी वहाँ हो सकती है। वी हैव बीन अंडर दिस इम्प्रेशन, और हमेशा ध्यान रखना है जब बेसमेंट को लेकर हमें खूब आजकल नाराजगी है, ठीक है होनी चाहिए, हम एकदम सहमत हैं कि बेसमेंट सील हो जानी चाहिए, लेकिन दिल्ली की मेट्रो बेसमेंट में चलती है, अंडरग्राउंड ही चलती है, पालिका बाजार बेसमेंट में ही है, दिल्ली के लगभग हर मॉल में बेसमेंट में बहुत बड़े शॉपिंग कॉम्प्लेक्सेस हैं, वहाँ लाखों लोग शॉपिंग करते हैं वहाँ पर, क्योंकि वहाँ की जो बेसमेंट हैं ठीक तरीके से बनाई गई हैं। और कमर्शियल मॉल की तरफ से हमें ये बार बार आश्वासन मिला कि वो बेसमेंट उसी तरीके से बनी हुई है, और उन्होंने कहा कि हमने DDA में अप्लाई किया है कि हमें कमर्शियल FAR में इसका NOC मिले। अगर कमर्शियल NOC मिल जाता, NOC क्यों नहीं मिल रहा है? DDA का मानना है कि ये काम MCED का है, MCED का मानना है कि काम DDA का है। MCED ने कई पत्र DDA को लिखे, DDA ने कई पत्रों में जवाब MCED को दिया और यहाँ तक कहा कि हमारे पास डॉक्यूमेंट्स नहीं हैं, ये आपको देखना पड़ेगा। पिछली मीटिंग में हाई कोर्ट में DDA ने पहली बार ये कहा कि हम MCED को राइट्स दे रहे हैं, और अब MCED
जो कल हियरिंग होने वाली, शायद उसके बाद हमें वैसे भी इशू करती, या तो परमिशन मिल जाती या वो इशू करती कि आपको ये छोड़ना पड़ेगा, तो हम छोड़ते उसको। मतलब बेसमेंट होने मात्र से चीज़ें जैसी फैल जाती हैं। मैं आपसे फिर कह रहा हूँ, ऑन रिकॉर्ड कह रहा हूँ, उस बेसमेंट का पूरा लेआउट स्ट्रक्चर MCD को हमने सबमिट किया हुआ है, DDA को सबमिट किया हुआ है, फायर डिपार्टमेंट को सबमिट किया हुआ है NOC के लिए कुछ महीने पहले। अब तक वहाँ से रिजेक्शन भी नहीं आया उसका, और उसमें 7 फायर एग्जिट्स बड़े बड़े, वो सब उसमें नक्शे में है, और नक्शे में नहीं है, वो रियलिटी में भी है। सर आपने अभी एक बात बोली, लेकिन इसके बावजूद पिछले 3 दिन में जो घटना घटी उसे देखने के बाद मुझे एहसास है कि ये केयरलेसनेस थी, हमारे दिमाग में बात कभी नहीं आई। और मैं आपके चैनल पर बड़ा खुल के कह रहा हूँ कि परमिशन कभी भविष्य में मिल भी गई तो भी हम बेसमेंट में काम नहीं करेंगे, मैं इसका भरोसा आपको दे रहा हूँ। और मैं चाह रहा हूँ पूरी दिल्ली में एक भी कोचिंग इंस्टीट्यूट बेसमेंट में ना चले, और ऊपर भी चले तो फायर सेफ्टी के साथ चले। मैं आपको एक बात और स्पष्ट कर देता हूँ, यहाँ पर आपको हो सकता लगे कि मैं बहुत बड़ी बात बोल रहा हूँ, मैं खुल के ये बात कह रहा हूँ, बिल्डिंग सेफ्टी नॉर्म्स के मामले में जितनी शिद्दत से हम कोशिश करते हैं, मुझे भरोसा है कि वैसी शिद्दत कहीं आपको नहीं मिलेगी। अगर आप चाहेंगे मैं भी आपको अपने व्हाट्सएप में एक चीज़ दिखाऊंगा, हमारे पास एक, आप, मुझे नहीं पता बाकी इंस्टीट्यूट्स क्या करते हैं, मैं अपना बता रहा हूँ आपको। 2 महीने पहले 3 महीने पहले हमने एक वैकेंसी निकाली, क्योंकि हमने 1.5 साल पहले एक डिवीजनल हेड रैंक का ऑफिसर बनाया अपनी कंपनी। डिवीजनल हेड हमारे यहाँ सीनियर मैनेजमेंट का पार्ट है, जो केवल सेफ्टी देखेगा बिल्डिंग्स की। उसका एक ही काम था, बिल्डिंग की सेफ्टी देखना। जनवरी 2023 में हमने एक व्हाट्सएप ग्रुप बनाया, मैं उसका मेंबर हूँ। उस ग्रुप का काम क्या है, 16 पॉइंट्स उसमें लिखे हुए हैं, जिसमें एक लिखा हुआ है कि मैंने चेक कर लिया है कि सारे दरवाजे खुले हैं, फायर एग्जिट साफ है, उसमें कोई बाधा नहीं है, छत के दरवाजे खुले हुए हैं, कोई इमरजेंसी होने पर बच्चे बाहर निकल सकते हैं, वो सब 16 पॉइंट्स हैं उसमें। ये 16 के 16 पॉइंट्स पे हमारी हर बिल्डिंग के बिल्डिंग इंचार्ज को रोज़, ये मैं महीने की बात नहीं कर रहा हूँ, रोज़ की बात कर रहा हूँ, एक अपडेट डालना होता है कि मैंने ये सारे 16 पॉइंट चेक कर लिए हैं, ये सारे ठीक हैं, अगर इसके बाद भी कोई दिक्कत आती है तो मैं इसके लिए ज़िम्मेदार हूँ। ये रोज़ होता है, आप अगर व्हाट्सएप मेरा देखना चाहेंगे इसके बाद देखिएगा, और ये हर बिल्डिंग के लिए रोज़ होता है। इसके अलावा 3 महीने पहले हमने एक वैकेंसी निकाली, 2 महीने पहले ज्वाइनिंग हुई मई के अंत में, एक ऐसे व्यक्ति की जिसका नाम ही है फायर एंड सेफ्टी ऑफिसर। उनका काम क्या है, वो 14 साल से बड़े बड़े मॉल, बड़े बड़े हॉस्पिटल्स में, फोर्टिस जैसे हॉस्पिटल में, एम्बियंस जैसे मॉल में फायर एंड सेफ्टी काम कर चुके हैं। वो दृष्टि के पेरोल पे हैं, उनका एक ही काम है कि सारी बिल्डिंग्स का ऑडिट करना, और जहाँ ज़रा भी दिक्कत है सेफ्टी के मामले में उसको ठीक करना। उनके अंडर हमने फायर मार्शल्स नियुक्त किए हैं अपनी बिल्डिंग्स में, ताकि कभी फायर की दिक्कत आए तो नॉर्मल स्टाफ ट्रेंड है हमारा। हमारा नियम है कि जब भी कोई स्टाफ ज्वाइन करता है, MTS मल्टीटास्किंग स्टाफ जो होता है, 7 दिन के अंदर उसकी फायर ट्रेनिंग होती है। और इसके अलावा अब हम फायर मार्शल्स हर बिल्डिंग में अपॉइंट करें, ताकि कभी फायर हो जाए, क्योंकि वो ट्रेंड हैं, बहुत ज़्यादा सीख के आए हैं, तो वो तुरंत आग बुझा देंगे, जबकि बाकी लोग उतना तुरंत ना बुझा सके। हर क्लासरूम, हर ऑफिस में फायर एक्सटिंग्विशर्स हमने लगा रखे हैं, जो लगातार रिफिल होते हैं। मैं चाहूँगा कभी आपको मौका मिले, अगर आप सर्वे कर सकते हैं, दिल्ली या दिल्ली के बाहर हमारी किसी भी शाखा में जाइए, किसी भी क्लासरूम में जाइए, किसी भी बिल्डिंग में कम से कम 2 एग्जिट ना हो तो मैं ज़िम्मेदार हूँ। हम ऐसी बिल्डिंग रेंट पर लेते ही नहीं जिसमें फायर एग्जिट ना हो। कई बिल्डिंग्स में आप देखेंगे लोहे का बहुत बड़ा फायर एग्जिट बना हुआ, चाहे करोलबाग में देखें, चाहे जयपुर में देखें, चाहे इलाहाबाद में देखिए, वो हमारी शर्त होती है। इंदौर में हमें 1.5 साल एक्स्ट्रा लग गया, केवल इसलिए कि एक भी बिल्डिंग ऐसी नहीं मिल रही थी जहाँ 2 एग्जिट हो। हमने एक लैंडलॉर्ड से बात करके उसकी ज़मीन पे, प्लॉट पे बिल्डिंग बनवाई 2 फायर एग्जिट वाली, और वहाँ काम शुरू किया। 2 साल लेट काम शुरू किया, सिर्फ इसलिए कि किसी भी स्थिति में किसी बच्चे या स्टाफ की ज़िंदगी से समझौता ना हो। हमारी नीयत ऐसी ही है, एक गलती हुई समझने में, मैं पूरे देश से, पूरे समाज से माफ़ी मांगता हूँ कि हाँ वो गलती हुई, आगे वो गलती नहीं होगी। सर इफ़ आई एम नॉट मिस्टेकन, आपने अभी थोड़ी देर पहले कहा कि MCD ने जो एक्शन लिया है आपके बेसमेंट के खिलाफ, जो सील किया गया है, वो डिस्क्रिमिनेटरी है।
डिस्क्रिमिनेटरी करोलबाग के लिए, करोलबाग के लिए वो अंडर प्रेशर लिया गया। मैंने कहा इंडिस्क्रिमिनेट, इंडिस्क्रिमिनेट का मतलब ये हो कि सब पे ले लिया, सब पे ले लिया इरिस्पेक्टिव, उसमें सारे नॉर्म्स जगह पे है, साफ साफ बता रहा हूँ। और उसके बाद भी वो लिया गया, और हमारे ही नहीं, एक दो के साथ और भी हुआ। हाँ। करोलबाग में जो मेन रोड है उस पर कई ऐसी बेसमेंट है जो कमर्शियली अप्रूव्ड है, पूरा हमारे पास एनओसी है उसका, एमसीडी ने उसको अप्रूव किया, कमर्शियल बेसमेंट के नाम से अप्रूव किया। कमर्शियल बेसमेंट में लिखा है कि क्या क्या एक्टिविटीज़ कर सकते हैं, ऑफिस चला सकते हैं या गोदाम बना सकते हैं या एक दो चीज़ें और लिखी हैं। ऑफिस ही चल रहा है, दो एग्जिट हैं, छोटे छोटे एग्जिट हैं दो, सारे फायर प्रोविजंस हैं, पर सील किया वहाँ पे, क्योंकि क्लासेस नहीं चल रही थी, कोई क्लास नहीं, एक भी नहीं बेसमेंट में, कोई करोलबाग एक भी नहीं, एक भी क्लास नहीं चल रही थी। ऑफिस क्लास हमारी बेसमेंट में सिर्फ मुखर्जी नगर नेहरू विहार में चल रही थी, उसकी वजह ये है। और बाकी एक दो सेंटर्स में बहुत छोटी है दो क्लासेस, क्योंकि वहाँ पर ऐसी शायद मेरे ख्याल से मनाई नहीं है, बहुत छोटे 10-20-50 बच्चों वाले जो क्लासेस होते हैं, वो भी मैंने कल मना करवा दिया कि वहाँ नहीं चलाएंगे हम। मुखर्जी नगर में दिक्कत क्या है कि बहुत छोटा इलाका है, छोटे छोटे घर हैं वहाँ पर, उन सब घरों में एक एंट्री एग्जिट है। अगर आप वहाँ क्लास चलाएं, 200 बच्चे हैं, 100 बच्चे हैं, और आग लग जाए तो बहुत रिस्की हो जाता है, जो एक इंसिडेंट दिखा भी हमने। मेरी समझ में उस इलाके में सबसे ज़्यादा सुरक्षित बिल्डिंग वही कमर्शियल मॉल की है जो हमने ली। हमने 2012-13 में वहाँ काम करना शुरू किया, केवल ऊपर, बेसमेंट का हमें आइडिया भी नहीं था। वहाँ बेसमेंट में 3 इंस्टीट्यूट क्लासेस चलाते थे, बाद में एक और बढ़ा, 4 हो गए, हम नहीं थे। 2017-18 के आसपास शायद पहली बार हमें जब ज़रूरत पड़ी तो पता लगा कि ये क्लासरूम नीचे उपलब्ध है, वहाँ 3-4 इंस्टीट्यूट चल रहे थे पहले से, तो हमने ये एज्यूम किया कि इसके हमारे परमिशंस होंगे, तो हमने लिया। धीरे धीरे कॉम्पिटिशन ऐसा हुआ कि वो इंस्टीट्यूट वहाँ से चले गए, क्योंकि उतना नहीं मैनेज कर पाए। जब वो चले गए तो मॉल के मालिक ने, हमसे कहा कि अगर आप चाहें तो आप इसको ले लीजिए, हमने लिया। आखिरी एक और इंस्टीट्यूट था, उसने भी कुछ दिन पहले तक रखा हुआ था, बाद में फिर वो मॉल की तरफ से हमें मिला। वहाँ हम आई एस के जो मेंस वाले बच्चे हैं, मेंटरशिप लाइब्रेरी चलाते थे, अब वो बंद हो गई, उनका 1.5 महीने बाद मेंस है, तो हम अभी उनके लिए भी रास्ता निकाल रहे हैं कि उनको कहाँ बिठाएं, उनके भी दुविधा है। सर अभी एक ये प्रेस रिलीज आई है 2:41 पे, इसके 2-3 पॉइंट्स पे मैं आपसे बात करना चाहूँगा। जो हमारी प्रेस जो प्रेस रिलीज है दृष्टि आई एस ने, जो आपकी तरफ से है, जो सोशल मीडिया हैंडल पे अपलोड किया गया, 2-3 पॉइंट है मुझे उस पर बात करना है। लेकिन एक चीज़ मुझे उससे आपसे पहले पूछनी है, जब मैं ट्विटर पे कमेंट सेक्शन में जा रहा था इसमें, तब बहुत सारे स्टूडेंट्स का ये आक्रोश था कि विकास जी हमारे साथ एक बार ग्राउंड पे आए तो सही, एक बार हमारी बात तो सुने, एक बार हमारे बीच में बैठे तो सही, वो आए ही नहीं अभी तक। 3 दिन हो गए हैं, कुछ बाकी टीचर्स भी आए हैं, मिनिस्टर्स भी गए हैं, लेकिन जो टीचर जिसे हम इतना प्रेम करते थे, जिसे इतना सुनते थे, जिसे इतना फॉलो करते थे, वो 3 दिन बाद स्टेटमेंट रिलीज कर रहा है और हमारे बीच नहीं आया। नहीं, देरी के लिए तो हमने खेद जताया है, क्योंकि मैं आप स्टूडेंट से मिलने जाएंगे? एकदम जाऊंगा मैं। दरअसल कोशिश करता हूँ, मेरी हमेशा से आदत रही है कि चीज़ें पूरी स्पष्ट होने के बाद प्रतिक्रिया दूँ, हड़बड़ी में ना दूँ। तो मैं थोड़ा वेट कर रहा था, मेरा ख्याल है कि थोड़ा पहले कर देना चाहिए था। दूसरा, स्टूडेंट से अब तक नहीं मिलने की वजह वही थी कि आक्रोश जब बहुत ज़्यादा होता तो आप अपनी बात ठीक से रख भी नहीं सकते हैं। मेरा ख्याल है कि आज या कल में मैं उन बच्चों से मिलूंगा, और मुझे उम्मीद है, और बच्चे दिल के बड़े कोमल होते हैं, जितना जल्दी नाराज़ होते हैं उतना जल्दी वो ठीक हो जाते हैं। तो मुझे पता है कि बच्चों की नाराज़गी मुझसे क्यों है और वो दूर कैसे होगी। सर एक 5th पॉइंट आपकी प्रेस रिलीज में है, वो बोलता है कि DDA, MCD एंड दिल्ली फायर डिपार्टमेंट के नियमों में असंगति है, कॉन्ट्राडिक्टरी है। आप समझाएंगे कि क्या वो लॉज हैं जिनमें कॉन्ट्राडिक्टरी है, ये वेल कोऑर्डिनेटेड नहीं है आपस में? दिल्ली में ये समस्या है कि अलग अलग विभागों में कोऑर्डिनेशन थोड़ा कम दिखता है। आज भी इस मीटिंग में सब बातें हुई, जैसे मैं आपको एग्जाम्पल देकर समझाऊँ। DDA ने पहला मास्टर प्लान 1962 में बनाया, फिर 2001 में बनाया। 2001 तक, जहाँ तक मेरी जानकारी, मिक्स्ड लैंड यूज नाम की कोई चीज़ नहीं होती थी। 2005 या 6 की बात है कि सुप्रीम कोर्ट ने एक आदेश दिया कि दिल्ली में जो भी कमर्शियल एक्टिविटीज़ नॉन कमर्शियल एरिया में चल रही हैं वो सब सील होंगी। सब कुछ सील होने लगा, कोचिंग इंस्टीट्यूट्स भी हुए, बाकी एक्टिविटीज़ भी हुई। इतना विरोध हुआ कि उसमें फिर दिल्ली की सरकार को प्रस्ताव रखना पड़ा, संसद को एक्टिव होना पड़ा, और तब उस समय 2008 में पहले संसद ने थोड़ा सा रिलीफ दिया, और उसके बाद 2008 में या 9 में मास्टर प्लान ऑफ दिल्ली MPD
2021 लेके आए, जो पारित हुआ। उस मास्टर प्लान में ये कहा गया कि अब से तीन तरह के एरियाज होंगे, कमर्शियल, रेजिडेंशियल और मिक्स लैंड यूज़। मिक्स लैंड यूज़ का मतलब ये है कि जो रेजिडेंशियल हैं पर उनमें कमर्शियल एक्टिविटीज़ भी चल सकती हैं, एक निश्चित परसेंटेज तक चल सकती हैं। अगर आप MPD पढ़ेंगे, मास्टर प्लान ऑफ दिल्ली 2021 का पढ़ेंगे, चैप्टर 15 उसका इन एक्टिविटीज़ के बारे में है, 15.7.1 और 15.7.3 ब्रैकेट में 7, इनको ध्यान से पढ़िए। 15.7.1 साफ साफ कहता है कि कोचिंग इंस्टीट्यूट्स मिक्स लैंड एरिया में अलाउड हैं, प्रोवाइडेड कि सड़क इतनी चौड़ी होनी चाहिए। इतना ही नहीं, वो ये भी कहता है कि अगर सड़क इतनी चौड़ी है, मेरे ख्याल से 60 फीट के आसपास की बात है, तो मिक्स लैंड यूज़ नहीं है तो भी अलाउड है, ये वो कहता है। अप टू 2/3 FAR ऑफ द बिल्डिंग, जैसे बिल्डिंग में अगर FAR मान लीजिए 303 है, मान लीजिए FAR 3 फ्लोर पे, इसे मतलब 3 होता है, तो 2 फ्लोर पे कोचिंग चल सकती है, साफ साफ लिखा हुआ है। उसमें केवल एक सवाल है कि बेसमेंट में चल सकता है या नहीं। 15.7.3.7 कहता है कि बेसमेंट में कोचिंग इंस्टीट्यूट चल सकता है, प्रोवाइडेड कि उनके पास रिक्वायर्ड NOC हो, ठीक, ये लिखा हुआ है। NOC एजुकेशनल बिल्डिंग का MPD में जिक्र नहीं है उस चीज़ का, ये बात मैं 2008 की कर रहा हूँ। 2008 के बाद क्या हुआ, अब उसके तहत मिक्स्ड लैंड यूज़ में बहुत सारे इंस्टीट्यूट चलने लगे। फायर NOC की ज़रूरत है या नहीं, इसके लिए हम क्या पढ़ेंगे, हम दिल्ली फायर डिपार्टमेंट के जो रूल्स हैं, फायर एक्ट है 2007 का, फायर रूल्स हैं 2010 के, आप खुद रेफर कीजिए, मैं सारे आपको तथ्य बता रहा हूँ। फायर रूल्स में रूल नंबर 27 पढ़ लीजिए, साफ साफ क्या कहता है। रूल नंबर 27 साफ साफ कहता है कि अगर कोई बिल्डिंग रेजिडेंशियल है और 15 मीटर तक की है तो उसको NOC नहीं चाहिए, अगर कोई बिल्डिंग कमर्शियल है और 15 मीटर तक की है तो उसको NOC नहीं चाहिए। ऐसे आपके पास वही डॉक्यूमेंट है क्या, मुझे याद है पूरे, मैं आपको ऐसे सुना देता पर वो एक बात कहता है कि अगर कोई बिल्डिंग एजुकेशनल है तो उसको 9 मीटर तक NOC नहीं चाहिए, 9 मीटर के ऊपर NOC चाहिए, ये रूल नंबर 27 में लिखा हुआ है। अब क्या स्थिति है, जो कोचिंग इंस्टीट्यूट्स हैं, हम मान के चल रहे हैं कि रेजिडेंशियल एरिया में या कमर्शियल एरिया में चल रहे हैं, भारत सरकार GST में कमर्शियल कोचिंग उनको बोलती है, तुम कमर्शियल एक्टिविटी माने जाते हैं। अगर हम मॉल की बात करें तो 15 मीटर से ऊंचा नहीं है वो, रेजिडेंसीज की बात करें 15 मीटर से ऊंचे नहीं है। पिछले 10 साल में जिस जिसने फायर डिपार्टमेंट से NOC मांगा, एक ही जवाब आया कि आपको ज़रूरत नहीं है, ठीक, उन्हें नहीं मिला, किसी को नहीं मिला, क्योंकि ज़रूरत नहीं है। एज पर रूल 27 दे आर नॉट सपोज टू गिव द NOC, उनकी भी गलती नहीं है, वो तो रूल्स के हिसाब से काम कर रहे थे। अब दिक्कत यह है कि उन्हीं बिल्डिंग्स में बच्चे पढ़ रहे हैं, कोचिंग इंस्टीट्यूट्स को रेगुलेट करने के लिए अब तक कोई अथॉरिटी नहीं है, कोई कानून नहीं है, जैसे कॉलेज के लिए है, स्कूल के लिए है, यूनिवर्सिटी के लिए है, कोचिंग के लिए नहीं है। अभी भारत सरकार ने एक प्रपोजल दिया है, क्योंकि एजुकेशन कॉन्करेंट सब्जेक्ट है तो सेंटर अपनी ताकत थोपने से बचता है, वो राज्यों से बोलते कि आप नियम बनाओ, एक पॉलिसी फ्रेमवर्क दिया, राज्यों से कहा कि आप इसके बेस से पॉलिसी बनाइए। अभी तक मेरे ख्याल से किसी राज्य ने बहुत सीरियस स्टेप नहीं लिए, हालांकि कुछ राज्यों ने, बिहार ने, उत्तर प्रदेश ने, शायद राजस्थान ने पहले से एक पॉलिसी बना रखी थी अपनी। अब स्थिति ये है कि कोचिंग चल रही है, फायर NOC की ज़रूरत नहीं है क्योंकि रूल ये कहता है। पिछले साल एक घटना घट गई दिल्ली में, जब वो घटना घटी तो सबको चिंता हुई, वो भी लाजमी बात है, चिंता होनी चाहिए, तो सीलिंग शुरू हुई, कोर्ट में केस गया, हाई कोर्ट ने सुओ मोटो कॉग्निजेंस लिया, और हाई कोर्ट ने केस लिया उसकी वजह से चीज़ें बड़ी दुरुस्त हुई, क्योंकि हाई कोर्ट जब इन्वॉल्व हुआ तो चीज़ें ठीक होनी थी, क्योंकि हाई कोर्ट तो सबसे पूछ सकता है, जो कोऑर्डिनेशन की कमी है हाई कोर्ट में तो नहीं होती, वो वहाँ तो सब इकट्ठे होते हैं। तो हाई कोर्ट ने पूछा कि क्या प्रावधान है। अब इस बीच में DDA ने 2020 में यूनिफाइड बिल्डिंग बायलॉज में संशोधन किया, जो 2016 के नियम थे, उसमें क्या किया, एजुकेशनल बिल्डिंग के हेडिंग में कोचिंग इंस्टीट्यूट्स का नाम लिख दिया, जो कि पहले नहीं लिखा हुआ था। तो 2020 से कोचिंग इंस्टीट्यूट्स में नॉर्म कौन सी लागू होगी, एजुकेशनल बिल्डिंग की। एजुकेशनल बिल्डिंग के लिए नियम बहुत सख्त हैं, और इसका मतलब है कि मास्टर प्लान में संशोधन के बाद जिन लोगों ने मिक्स लैंड में कोचिंग चलाया, कन्वर्जन चार्ज पे किया, 10 साल का पार्किंग चार्ज पे किया, जो कि नियम था उस समय का, अब वो भी वहाँ नहीं चलेंगे। तो
तो हाई कोर्ट में पॉइंट्स उठाए गए, सब लोगों ने उठाए वहाँ पर। होते होते कन्फ्यूज़न ये था कि नेशनल बिल्डिंग कोड ये कहता है कि 100 से कम बच्चे अगर हैं तो उस बिल्डिंग को एजुकेशनल बिल्डिंग नहीं माना जाएगा, ठीक। लेकिन यूनिफाइड बिल्डिंग बाईलॉज 2020 उसमें एक लाइन आ गई कि अगर 20 से ज़्यादा बच्चे हैं तो एजुकेशनल बिल्डिंग माना जाएगा। अब एक ही राज्य में दो कानून अलग अलग बात कह रहे हैं, इसका मतलब यह हुआ कि 20 से ज़्यादा बच्चे, अगर 30 बच्चे हैं तो एक कानून के हिसाब से एजुकेशनल बिल्डिंग है, एक के हिसाब से नहीं है। अब MCD ने जब सीलिंग शुरू की तो दिल्ली फायर डिपार्टमेंट ने पिछले एक साल में क्या स्टैंड रखा, बड़ा क्लियर स्टैंड रखा और अच्छा स्टैंड रखा, उन्होंने भी समझ से अच्छा रखा। उन्होंने कहा कि एजुकेशनल बिल्डिंग के लिए जो फायर नॉर्म्स है रूल 27 में, वो ये हैं कि अगर 9 मीटर तक की बिल्डिंग है तो वहाँ तक हमें NOC नहीं चाहिए। लेकिन आप ढूंढ रहे हैं उसको, नहीं देखिए रूल नंबर 27 को देखिए, उसमें है, उसमें क्या था कि कमर्शियल और रेजिडेंशियल बिल्डिंग को 15 मीटर तक NOC नहीं चाहिए, 15 मीटर तक, लेकिन एजुकेशनल बिल्डिंग को 9 मीटर के ऊपर चाहिए। अब अगर हम एजुकेशनल बिल्डिंग मान लें इनको, तो 9 मीटर तक क्या होता है, ग्राउंड और फर्स्ट फ्लोर कवर हो जाता है। तो दिल्ली फायर डिपार्टमेंट ने पिछले एक साल में जो स्टैंड रखा वो ये रखा कि ग्राउंड और फर्स्ट फ्लोर पर अगर कोचिंग चल रही है तो NOC नहीं चाहिए, उसके ऊपर है तो चाहिए। तो मुखर्जी नगर में, दिल्ली के बाकी क्षेत्रों में कोचिंग इंस्टीट्यूट ने जनरली क्या किया, सेकंड थर्ड फ्लोर को बंद करना शुरू कर दिया, ग्राउंड फर्स्ट पे एक्टिविटीज़ करनी शुरू की। हालांकि मेरा अपना मानना है कि फर्स्ट फ्लोर पे भी रिस्क उतना ही हो सकता है, अगर सीढ़ी एक ही है तो खतरा उतना ही है, मेरा अपना ऐसा मानना है। ग्राउंड पे आमतौर पर दो रास्ते होते हैं तो इतनी दिक्कत नहीं है, अगर सरकार मानना चाहे तो इस बात को कंसिडर करना चाहिए। अब इसलिए सीलिंग नहीं हुई क्योंकि ग्राउंड फर्स्ट पे चल रहा था। हाई कोर्ट ने पिछली हियरिंग में, जो कि अभी मेरे ख्याल से 12 जून की बात है, 12 जून नहीं सॉरी उससे पिछली हियरिंग शायद 10 मई को हुई थी वो हियरिंग मेरे ख्याल से, उसमें एक नया स्टैंड लिया और उसने कहा कि अगर एजुकेशनल बिल्डिंग है, पहली बात तो एजुकेशनल बिल्डिंग है या नहीं हम केवल एक बात से तय करेंगे कि यूज़ क्या हो रहा है, अगर यूज़ हो रहा है एजुकेशन का तो एजुकेशनल बिल्डिंग होगी, और एजुकेशनल बिल्डिंग हो तो फ्लोर चाहे कोई भी हो, फायर NOC होना चाहिए, और फायर NOC कौन सा होना चाहिए, एजुकेशनल बिल्डिंग वाला होना चाहिए, और एजुकेशनल बिल्डिंग वाला फायर NOC मेरी जानकारी में दिल्ली में एक भी प्राइवेट इंस्टीट्यूट के पास नहीं है। 2000 में से मतलब मेरे अनजाने में 2-4 के पास किसी तरह से हो तो हो, मेरी जानकारी में एक के पास भी नहीं है। विकास जी सारी बातें एक तरफ, लेकिन हकीकत तो ये है कि 3 बच्चे मर गए, एकदम वो इस तीन, बात का। 3 बच्चे नहीं है, 3 फैमिलीज हैं जी, उनसे बहुत सारे लोग जुड़े हुए हैं, काफ़ी सपने थे, UPSC में जाएंगे, सिविल सर्वेंट बनेंगे, श्रेया यादव, तानिया सोनी और निविन डालविन जी, ये 3 बच्चे मर गए हैं, पानी में डूब के मर गए, किसी ने सोचा भी नहीं होगा, ऐसे सपने में भी नहीं सोचा होगा कि 3 बच्चे डूब के मर जाएंगे, किसी की तो जिम्मेदारी बनती होगी, कहीं ना कहीं तो वो बक रुकेगी, कहीं ना कहीं तो अकाउंटेबिलिटी फिक्स होगी। एकदम ठीक बात। क्या ये MCD की गलती थी, सरकार की गलती थी, किसकी गलती थी? मतलब मैं इस चीज़ से बचता हूँ कि हम सारी गलती किसी एक पर ही थोप दें, जैसे सोशल मीडिया में उस पर थोप रहा है, आप भी किसी एक पर थोपना चाहें तो थोप लें, पर मैं नहीं थोपूंगा। गलती किसकी है? मेरे ख्याल से एक कमी ये है कि अलग अलग कानून, अलग अलग एजेंसीज में कोऑर्डिनेशन की कमी है, नीयत सबकी ठीक है, अगर थोड़ा कोऑर्डिनेशन होता, जैसे आज की जो मीटिंग थी उसमें बड़ा अच्छा प्रस्ताव एक व्यक्ति ने दिया जिसको LG साहब ने तुरंत एक्सेप्ट किया। हम सब ने कहा कि सर आप एक ऐसी कमेटी बना दीजिए जहां हम बैठ के सारी बातें समझा दें, सारा पक्ष रख दें, फिर जो आप आदेश देंगे, जो नियम बनाएंगे, आप केवल 10-15 दिन का समय दे दीजिए, जो उस नियम को ना माने उसको बंद कर दीजिए, हम सबसे पहले तैयार हैं उस चीज़ के लिए, हमें भी तो क्लैरिटी चाहिए कि क्या क्या नियम है। इस घटना की जिम्मेदारी अगर तय करनी हो तो मेरे ख्याल से पहली समस्या ये वाली है, भ्रष्टाचार तो निश्चित रूप से है ही, कहने की बात ही नहीं है। अगर आप उस दिन के वीडियो को देखेंगे तो मैं बहुत परेशान रहा उस वीडियो को देख के कि सड़क पर बहुत पानी भरा हुआ है, बेसमेंट का जो लेवल है वो सड़क के लेवल से बहुत ही नज़दीक है, ऊंची बेसमेंट नहीं है, लगभग उसी लेवल की बेसमेंट है, बहुत खतरा नज़र आ रहा है कि अगर पानी उछला तो अंदर चला जाएगा। इतने में एक जीप वहाँ से गुजरी और मुझे आज पता लगा कि वहाँ एक बड़ा सा पैनल रख के रोका हुआ था पानी को अंदर जाने से, और अंदर बच्चे
लाइब्रेरी में बैठे हुए थे। जैसी वो जीप तेजी से गुजरी, पानी जोर से उछला और उस पानी से वो टूट गया जो टेम्परेरी रास्ता बना हुआ था, तो पानी अंदर जाने लगा। तब भी हमें दुविधा थी कि अचानक इतना पानी कैसे गया होगा, क्योंकि अगर 30-40 बच्चे थे और पानी आते हुए देखेंगे तो शायद निकलने का रास्ता रहता। एक तो दरवाज़ा बंद हुआ जो बायोमेट्रिक होने की वजह से हुआ, ये बहुत बड़ी समस्या हुई। दूसरा जो आज उन बच्चों ने बताया उस मीटिंग में, वो ये था कि पानी एक खास गति से जा रहा था और बच्चे बाहर निकल रहे थे और अनुमान था कि निकल भी जाएंगे, किताबें लेके निकल रहे थे क्योंकि पानी इतना था कि उनको लगा किताबें छोड़ के निकलेंगे तो बचेगा नहीं कुछ। इतनी देर में पानी के बहाव से जो एग्जॉस्ट फैन था, वो जो एरिया था, वो भी टूट गया। और जैसे ही वो टूटा, पानी का पूरा बांध एक साथ अंदर गया। और उन बच्चों की बात जो मैं समझ पाया कि कमर तक के पानी से सिर के ऊपर तक पानी जाने में केवल शायद 50 सेकंड या 1 मिनट लगा। ये इतना कम टाइम था कि इतने टाइम में शायद हम में से कोई भी ना सोच पाता ना निकल पाता। फिर एलजी साहब ने आज बड़ी अच्छी बात उसमें ये भी कही कि वहाँ जो सीवर लाइन्स थी वो इलीगल कंस्ट्रक्शन से, एनक्रोचमेंट से कवर हो गई थी। ये भी एक समस्या है, एनक्रोचमेंट भी ऐसे तो नहीं होते हैं, उसमें भी कहीं ना कहीं तो कोई ना कोई शामिल होगा ही होगा। मेरा अपना मानना था कि बेसमेंट थोड़ी ऊंची होती बेहतर होता, लेकिन आज मुझे पता लगा कि जो नए नियम हैं जिसमें स्टिल्ट पार्किंग बनाना ज़रूरी है, उसमें शायद 8 सेंटीमीटर का कोई नियम है। अब नियम है या ये मतलब जनरली ऐसा होता मुझे नहीं पता, लेकिन शायद इस वजह से बेसमेंट्स बहुत ऊँची नहीं बनती है दिल्ली में, एक वजह ये भी है। इन सब के साथ मैं ये खुल के मानता हूँ कि इसमें कोचिंग इंस्टीट्यूट्स की एक बड़ी जिम्मेदारी बनती है, हमारी भी बनती है। संयोग की बात है कि हादसा कहीं और हुआ, लेकिन हमें नोशनल सेंस में समझना चाहिए कि हादसा कहीं भी हो सकता था। इसको रेक्टिफाई करना सभी इंस्टीट्यूट की जिम्मेदारी है। मैं अपने हिस्से की जिम्मेदारी बहुत खुल के निभाने को तैयार भी हूँ, तत्पर भी हूँ, और मैं आपके सामने स्पष्ट कर रहा हूँ कि किसी भी सूरत में जो चीज़ें अलाउड नहीं है दिल्ली में वो हम नहीं करेंगे। और चाहे हमें दिल्ली छोड़नी पड़े, चाहे कहीं और जाना पड़े, जो भी अप्रूव्ड बिल्डिंग्स होंगे हम वहीं काम करेंगे। सर, जिस इंसान का आप जिक्र कर रहे थे जो वो जीप चला रहा था, थार चला रहा था, उस बंदे को दिल्ली पुलिस ने अरेस्ट कर लिया है। उसको बताया ये मस्ती खोर है, और उसको बताया वो ज़्यादा ज़ोर से गाड़ी चला रहा था, उसकी वजह से वो जो उन्होंने बांध सा लगाया हुआ था वो टूट गया और इसलिए पानी भर गया, उस बंदे को अरेस्ट कर लिया। इसे आप कैसे देखें? ये तो देखिए, जब लोग बहुत आक्रोश में होते हैं, उनको खुश करने के लिए, संतुष्ट करने के लिए ऐसे एक्शन सरकार लेती है। सरकार को भी पता है, पुलिस को भी पता है कि इस पर केस ऐसा कुछ बन नहीं पाएगा। मैक्सिमम ये केस बनेगा कि उसने रैश ड्राइविंग करके आसपास के लोगों को परेशान किया, पानी उछाला उनके ऊपर, क्योंकि उसकी ऐसी इंटेंशन नहीं थी। मेंसरिया के बिना आप कैसे आरोप कोई लगाएंगे? तो मेरे ख्याल से अभी जैसे MCD ने बहुत बड़े पैमाने पर सीलिंग की, उसका पर्पस भी ये है कि जो एक नाराज़गी है लोगों में वो तुरंत उसे संतुष्ट किया जा सके। उस व्यक्ति की गिरफ्तारी का मसला भी है। मेरे ख्याल से जब मामला कोर्ट में जाएगा, 1-2 हियरिंग में उसे बेल तो मिली जानी चाहिए। सर, भारत में एक और चीज़ होती है कि जब तक कोई बड़ी घटना ना हो ना, तब तक कोई एक्शन नहीं होता। ये कोचिंग इंस्टीट्यूट चल रहे थे, कोचिंग सेंटर चल रहे थे, आप मुखर्जी नगर और ओल्ड राजेंद्र नगर में आप घुसेंगे, आपको दिखते ही पता चल जाता है कि इनमें से किसी के पास NOC का एक ही एग्जिट है, वो भी इतना एग्जिट है कि आदमी हाथ भी नहीं कर सकता, इतना वो एक बंदा जा सकता है, आपको देखते ही पता चलता है। कहाँ रोका जाए, मतलब कहाँ किस नॉर्म को सेट किया जाए कि ये बंद हो? आंखों से देख के ही पता चल रहा है कि ये सब इल्लीगल है, ये सब भ्रष्टाचार चल रहा है किसी के बीच में, कोई किसी को पैसे दे रहा है, बहुत सारे नॉर्म्स हैं वो फ्लाउट हो रहे हैं, बहुत सारे नॉर्म्स हैं वो वायलेट हो रहे हैं। तो वेयर शुड द बक स्टॉप? कहीं ना कहीं तो लाइन ड्रॉ करेंगे ना कि मतलब अभी बस। मेरे ख्याल से इस हादसे से जो सीखना चाहिए वो ये कि नो कम्प्रोमाइज अप्रोच हो। मैं आपको एक और उदाहरण बताता हूँ। अगर आप मुखर्जी नगर जाएंगे, मेरा विश्वास है कि पूरे मुखर्जी नगर में एक ही ऐसी बिल्डिंग है जिसमें 2 एग्जिट्स हैं, एक अद कोई और हो तो मुझे पता नहीं, मैं एक को जानता हूँ, हमारी अपनी बिल्डिंग है, वहाँ कुछ क्लासेस चलती हैं, मेरे ख्याल से वो बंद हो जाएंगे। क्योंकि हमें ये चिंता रहती है कि इमरजेंसी में बच्चे कहाँ से निकलेंगे। हम एक तो सीढ़ियों में मीटर आमतौर पर हमेशा ध्यान रखते हैं कि मीटर वहाँ से दूर हो, तब भी कहीं कोई क्राइसिस हो तो बच्चे कहाँ से निकलेंगे। छत के दरवाजे हम हमेशा खोल के रखते हैं और कोशिश करते हैं कि आसपास की छतों पर जाने का ऑप्शन रहे। इसके अलावा हमने उस बिल्डिंग में पीछे की साइड में बिल्डिंग के अंदर ही
सारे फ्लोर्स को काट कर एक फायर एग्जिट बनाया और बच्चों के लिए नियम बनाया कि वो आएंगे इस तरफ से, जाएंगे उस तरफ से, ताकि उनको उस तरफ से जाने की प्रैक्टिस हो। लेकिन उसके बाद भी हमें उसका एनओसी नहीं मिल पाएगा, हालांकि मैं अप्लाई किया हुआ है, देखते हैं रिजेक्शन आता है कि नहीं आता है। उसके पीछे आर्गूमेंट जो होने वाला है वो ये कि एजुकेशनल बिल्डिंग के लिए शायद फायर एग्जिट की चौड़ाई एक स्पेसिफिक है, वो मेरे ख्याल से उतने एरिया में नहीं बन पाती है। लेकिन ठीक है, एक दिक्कत इंस्टीट्यूट्स की भी आप समझें कि वो सब एक साथ हैं, एक हब है, बच्चे भी वहाँ हैं, अगर आप किसी एक को बाहर निकाल देंगे तो ख़त्म हो जाएगा। होना ये चाहिए कि सबको एक साथ आप री एलोकेट कर दें, रीलोकेट कर दें। और जो DDA के वाइस चेयरमैन हैं, जो शुभाशीष पंडा जी हैं, कुछ दिन पहले मेरी उनसे बात भी हुई थी, उन्होंने खुद एक प्रस्ताव मुझे दिया था कि अगर आप उचित समझें कि सारे इंस्टीट्यूट मिलकर काम करना चाहें तो क्या नरेला में हम एक बड़ा हब बना सकते हैं कोचिंग का। मैंने कहा प्रस्ताव अच्छा है, लेकिन सबके मन में दुविधा ये होगी कि अगर वो चला गया और बाकी नहीं गए तो क्या होगा। तो बेहतर है कि आप एक मीटिंग बुला के सबकी सबसे बात कीजिए, और यदि ऐसा कुछ होगा तो मैं आगे बढ़ चढ़ के उसमें हिस्सा भी लूँगा, और यदि सहमति बनती है तो आगे बढ़ना चाहूँगा। आज की मीटिंग में भी उन्होंने ये प्रस्ताव रखा फिर से, और लगभग ये सहमति बनी कि DDA नरेला क्षेत्र में, क्योंकि वहाँ हज़ारों फ्लैट्स हैं जो बच्चों के हॉस्टल्स बन सकते हैं, और हॉस्टल्स की जो दिक्कत बच्चों को आती है कि बहुत छोटे कमरे हैं, वो भी वहाँ सॉल्व होती है। तो हो सकता है कि निकट भविष्य में आप देखें कि दिल्ली विकास प्राधिकरण DDA नरेला में, या रोहिणी के बाद भी उन्होंने की, और ये भी कहा कि कुछ और एरियाज़ में भी वो कोशिश करेंगे देखने की कहाँ ऐसी व्यवस्था बन सकती है। तो हो सकता है कि दिल्ली सरकार इस पर कोई बड़ा स्टेप ले, और अगर ऐसा होगा तो मेरे ख्याल से इंस्टीट्यूट्स को आगे बढ़कर साथ देना चाहिए सरकार का। सर, जिस बेसमेंट, जिस लाइब्रेरी में पानी घुसा और 3 लोगों की मृत्यु हुई, 3 UPSC एस्पिरेंट्स की जान गई, उस स्पेसिफिक लाइब्रेरी का नाम मेंशन करके, उसका जिक्र करके दिल्ली के अफसरों को बताया गया है कि यहाँ पे हादसा हो सकता है 1 महीना पहले। अच्छा, बताया गया, लिखा गया और रिमाइंड भी करवाया गया। ये किसने, मुझे इसकी जानकारी, ये एक ग्रीवेंसेस ऑफिसर को लिखा है, एक बच्ची ने लिखा है। तब तो ये लिखा है, बताया गया और उस रिमाइंड भी करवाया गया। नहीं नहीं, अगर ऐसा है तो मैं बाद ये हुआ है, मैं बिल्कुल भी ये नहीं कहूंगा सिस्टमैटिक कुछ नहीं देखते, ये निश्चित तौर पे फेलियर है। अगर ऐसा है कि पहले आइडिया था, मुझे भी कल किसने बताया कि शायद पहले, आज उन बच्चों ने बताया कि पहले भी पानी भरा था। मतलब मेरा अपना मानना है कि अगर ऐसा है तो फिर इस पर बहुत बहुत कठोर कार्रवाई होनी चाहिए। सर, एक दूसरा पहलू भी आया, अब जब ये हादसा हुआ तो उसके बाद रिपोर्टर्स गए हैं वहाँ पे, काफ़ी एंकर्स गए हैं, वो सुविधाओं को देख रहे हैं, वो फैसिलिटीज़ को देख रहे हैं। तो एक बच्चा जब मुखर्जी नगर में और राजेंद्र नगर में घुसता है, और राजेंद्र नगर में घुसता है, तो उससे पैसे कैसा निकाला जाए, ये स्टार्ट हो जाता है। वो सबसे पहले जाएगा कोचिंग इंस्टीट्यूट में, कोचिंग सेंटर में एडमिशन लेगा, 2 से 2.5 लाख रुपये वहाँ लगेगा। उसके बाद 50-60 हज़ार रुपये अगर क्रैश कोर्स और करना है तो वहाँ लगेगा। उसके बाद उसे घर नहीं मिलेगा, जब तक ब्रोकर को वो पैसे नहीं देगा 1 महीने का सिक्योरिटी डिपॉजिट, तब तक उसको पैसे नहीं मिलेंगे और घर नहीं मिलेगा। उसके बाद मकान मालिक नखरे करता है, वो उसको घर नहीं देता। इतने छोटे छोटे घर होते हैं सर, कहीं तो रुकेगा, मतलब कितना इस इन स्ट्रगल्स को ग्लोरीफाई किया जाएगा। नहीं, ग्लोरीफाई करने का मसला बिल्कुल भी नहीं है। असल में क्या है कि अगर इसके पीछे बहुत स्पष्ट बात करें तो वो ये है कि दिल्ली के इलाके सेचुरेट हो चुके हैं, जितना वहाँ का इंफ्रास्ट्रक्चर है, और जो बच्चे आ रहे हैं, एक तो जो बच्चे आ रहे हैं उतने बच्चे वापस नहीं जाते हैं, हर साल नए बच्चे आते हैं, इंफ्रास्ट्रक्चर लिमिटेड है और वो सिचुएशन के लेवल पर है। तो मतलब मेरा अपना मानना है कि अगर दिल्ली की सरकार ऐसा कोई बड़ा एरिया, जैसे आज बात चल रही थी कि शायद 400-500 एकड़ की ज़मीन वहाँ पर है जो मिल सकती है, तो मेरे ख्याल से यह समस्या स्थायी रूप से समाप्त होगी। 50 दिन बचे हैं मेंस के एग्ज़ाम के लिए जी, आपका मैसेज क्या होगा जो बच्चों को, जो प्रोटेस्ट कर रहे हैं, जो धरना पे बैठे हैं, जो जस्टिस मांग रहे हैं, क्या अगर मतलब जो बच्चे मुख्य, जो बच्चे मेंस दे रहे हैं इस बार, उनको तो मेरा निवेदन ये है कि वो पहले रुककर मेंस की तैयारी करें, बाकी बच्चे इस मुहिम में रहें। और मेरा ख्याल है कि बच्चों का प्रेशर जितना है वो ज़रूर कोई बढ़िया परिणाम निकालेगा, और बढ़िया परिणाम मेरे हिसाब से एक ही है, जिस भी बिल्डिंग में सेफ्टी पर्याप्त ना हो, चाहे वो मेरी हो चाहे किसी की भी हो, उसमें कोचिंग इंस्टीट्यूट नहीं चलना चाहिए। नंबर 2, सारी एजेंसीज की सहमति से, जो समिति बनी है जिसमें मुझे भी उन्होंने शामिल किया है, सारी एजेंसीज की सहमति से एक कोई बड़ा एरिया दिल्ली में ऐसा मिले
जहाँ पर सब संस्थाएं जाएं, जो ना जाना चाहें ना जाएं, लेकिन वो इतना हो जाए कि सब लोग जब वहाँ जाएंगे तो फिर दबाव में सब आते ही हैं, क्योंकि हब बन जाते हैं तो उसके बाद उसकी अलग एक एक्सेप्टेंस हो जाती है। और यदि उसके बाद भी ऐसा कोई नेग्लिजेंस सामने आए जिसमें बार बार बताया गया हो, तो जितनी कठोर कार्रवाई हो सके होनी चाहिए। सर, ये दृष्टि आईएएस की और या किसी और कोचिंग सेंटर की बात नहीं है, राजेंद्र नगर मुखर्जी नगर में लोगों ने अपने घर के बेसमेंट के अंदर लाइब्रेरी खोल रखी है। हाँ। वहाँ पे पीजी खोल रखा है। हाँ। एक कमरे को चार भागों में, बेसमेंट का पीजी मैं नहीं जानता हूँ। हाँ, लाइब्रेरी खोल रखी है वहाँ पे। हाँ। बेड डाल देते हैं एक ही रूम में चार, और बच्चों को वो दे देते हैं। हजार से ज्यादा नहीं, इसका वही मूल कारण वही है कि जो बच्चे हैं बहुत ज्यादा रहने की जगह है नहीं, तो फिर वो लोग उस तरह से खेलते हैं। क्या ये सब एमसीडी सरकार को नहीं दिख रहा है या आंख? अच्छा, आप उस एंगल से बात कर रहे हैं, तो निश्चित रूप से जो हॉस्टल्स हैं, पीजीज हैं, उनके लिए भी नॉर्म्स उतने स्ट्रिक्ट होने चाहिए जितने स्ट्रिक्ट कोचिंग के लिए, क्योंकि हम जो कोचिंग इंस्टीट्यूट वाले होते हैं उनका हॉस्टल से कोई ऐसा लिंक नहीं होता है, सिवाय इसके कि हमने एक अस्मिता स्कीम चला रखी है जिसमें हम बच्चों का रहना खाना अपने स्तर पर उठाते हैं। अभी दिल्ली में ऐसे करीब 500 से 600 बच्चे इस समय हैं जिनका रहना खाना हम देखते हैं, तो हम कुछ पीजी ओनर से बात करते हैं, हम कुछ उनको लिस्ट देते हैं कि ये शर्तें हैं, ये आप पूरी करेंगे तो हम पेमेंट करेंगे, तो उन शर्तों को पूरा करते हैं, जिसमें ये साफ़ सफाई और इमरजेंसी में बाहर निकलने का रास्ता, वो सब चीज़ें हम उनसे पूछते हैं। लेकिन हाँ, ठीक बात है, जो नॉर्म्स कोचिंग इंस्टीट्यूट के लिए वो हॉस्टल के लिए भी होनी चाहिए, इसमें कोई किंतु परंतु की बात नहीं है। और ये भी ध्यान रखना है कि कोचिंग इंस्टीट्यूट में तो बच्चा, जैसे एक बार उसने फीस दी, लेकिन रहना है उसको 3 साल तक, और दिल्ली में मेरे ख्याल से 20-25 हज़ार से कम में 1 महीने का खर्चा नहीं चलता किसी बच्चे का, तो 1 साल में उसका रहने का खर्चा 3 लाख रुपए के आसपास है, 3 साल में 9 लाख रुपए है, असली खर्चा तो वहाँ पर होता है, तो थोड़ी सुविधाएँ भी ठीक हों। तो यदि हम किसी ऐसे स्थान पर शिफ्ट हो जाएँ सब लोग, बच्चे भी, जहाँ थोड़े खुले खुले हॉस्टल्स हों, धूप हवा भी आती हो, और कोचिंग इंस्टीट्यूट भी थोड़े बड़े एरिया में हों, बेसमेंट की नौबत ना हो, सीढ़ियाँ कम से कम 2-2 हर फ्लोर पे हों इमरजेंसी के लिए, सबके लिए अच्छा है। और हो सकता है कि इस मामले में पहल हम करें, हम पीछे नहीं हटेंगे। हज़ारों बच्चे पढ़ने आते हैं, आईएएस की तैयारी करने आते हैं, आईपीएस की तैयारी करने आते हैं, सिविल सर्विसेज की तैयारी करने आते हैं मुखर्जी नगर में और ओल्ड राजेंद्र नगर में। जब वो पास आउट हो जाते हैं, जब वो आईएएस आईपीएस बन जाते हैं, क्या किसी एक बच्चे ने नहीं सोचा कि इन सारी प्रॉब्लम्स को मैं एड्रेस करूं, बड़े पैमाने पे दिखाऊं, लोगों को जागरूक करूं, बताऊं कि क्या सब चल रहा है यहाँ पे, कैसे सेफ्टी की धज्जियाँ उड़ाई जा रही हैं, कैसे फैसिलिटीज़ प्रोवाइड की जा रही है, क्या किसी एक इंसान ने भी नहीं सोचा? नहीं, ऐसा नहीं है, कुछ सिविल सर्वेंट्स ऐसा सोचते होंगे ज़रूर, अपनी बात रखते भी होंगे। कभी कभी ऐसा भी होता है कि जो लोग यहाँ से पढ़ के जाते हैं वही वापस आके यहाँ काम भी करते हैं। अभी भी मैं ऐसे कुछ सिविल सेवकों को जानता हूँ जो दिल्ली में पोस्टेड हैं, उन एरियाज़ में पोस्टेड हैं। लेकिन क्या होता है ना कि जैसे मान लीजिए कोई आईएएस है और वो भी काम कर रहा है, मान लेते कि डीएम है, पर डीएम के पास बड़े फैसले करने की अथॉरिटी नहीं है, क्योंकि इसमें डीडी भी इन्वॉल्व है, एमसीडी भी है, फायर सर्विस भी है, वो अकेला क्या करेगा, सुझाव दे सकता है। ये स्टेप्स उस लेवल पर संभव हैं जब कोई व्यक्ति चीफ सेक्रेटरी के आसपास के पद पर हो, तो प्रयास करते ही होंगे, पर जब चीज़ें सिस्टम में बहुत बिखरी हों तो एक व्यक्ति के प्रयास से समाधान आमतौर पर नहीं हो पाता। मैं उन पर आरोप क्यों लगाऊंगा, कुछ ना कोशिश करते ही। अभी ब्लेम गेम तो चल रहा होता है, दिल्ली सरकार के मंत्री हैं जो बोल देते हैं कि ये एलजी साहब ने किया है, उनके अंडर आता है, वो बोल देते हैं ये उनके अंडर आता है। दिल्ली का जो एडमिनिस्ट्रेटिव स्ट्रक्चर है वो इस समय देश में सबसे यूनिक है, जो मुख्यमंत्री और एलजी के बीच में रिस्पॉन्सिबिलिटी की शेयरिंग है वो बड़ी अनक्लियर है। सुप्रीम कोर्ट का एक आदेश है, उसके बाद एक उस पर ऑर्डिनेंस आया, एक्ट आया, तो ये खींचतानी चलती रहती है, और ये दुर्भाग्य है कि दिल्ली में चीज़ें इस वजह से फंस जाती हैं। दिल्ली सीएम और दिल्ली एलजी के बीच में जो रिफ्ट है उसका भुगतान दिल्ली के लोग कर रहे हैं, कहना गलत तो नहीं होगा? मैं इस पर टिप्पणी करने से बचूंगा, क्योंकि अभी ये मामला जिस तरह से बढ़ रहा है, मैं चाहता हूँ कि इस पर फैसले बड़े हो जाएं। इन झगड़ों में उलझने से हो सकता है कि वो चीज़ थोड़ी सी हल्की पड़ जाए। ठीक, फिलहाल मेरी रुचि इसमें कम है कि पावर सीएम के पास ज़्यादा है कि एलजी के पास ज़्यादा है, मेरी रुचि इसमें है कि अभी जो माहौल है इस माहौल में समाधान निकल जाए और चीज़ें ठीक हो जाए। सो जब से ये घटना हुई है, 3 बच्चों की मृत्यु हुई है, तब से लोगों ने मूवीज़ पर भी बोलना स्टार्ट कर दिया, ये एस्पिरेंट्स बना, कोटा फैक्ट्री बना,
उन्होंने बोला कि आप ग्लोरीफाई कर रहे हो स्ट्रगल को, एक टाइप का रोमांटिसाइजेशन हो रहा है, आप बच्चों को बता रहे हो कि आप कैसे भी हालात में पढ़ोगे, पहले साल नहीं तो दूसरे साल नहीं तो तीसरे साल आपका यूपीएससी क्लियर हो ही जाएगा, क्यों ना ऐसी कहानियां बताई जाएं जिसमें क्लियर होता ही नहीं है, एंड हाउ डू दे एंड अप इन देयर लाइव्स। ठीक बात है, मैं आपको केवल अपनी जानकारी के लिए बता रहा हूँ। मैं जब भी बच्चों की क्लास लेता हूँ, आमतौर पर पहले एक महीने में एक क्लास के लिए जाता हूँ, ओरिएंटेशन क्लास के लिए, जनरली मैं बच्चों को हर बार ये स्पष्ट करता हूँ कि 12 लाख लोग फॉर्म भरेंगे, 5 लाख प्रीलिम्स देंगे, 1 लाख सीरियस होंगे, उनमें से 1,000 का होगा, गारंटी बिल्कुल नहीं है। और यदि कोई इंस्टीट्यूट ये कहता है कि वो करवा ही देगा, तो सवाल है कि उसका खुद का क्यों नहीं हुआ, मतलब मेरा ही प्रॉपर ISO नहीं हुआ, LID हुआ, तो ये तो झूठ बात। दूसरी बात रही फिल्म की, अगर आपका इशारा उस फिल्म की तरफ है जिसके साथ मैं जुड़ा हुआ था, वो फिल्म मेरे दिमाग का हिस्सा नहीं थी। दो व्यक्तियों के जीवन पर उनके एक मित्र ने उपन्यास लिखा जो कि मेरे स्टूडेंट थे। एक बड़े प्रोड्यूसर डायरेक्टर ने उस पर फिल्म बनानी चाही, स्क्रिप्ट पे 2 साल काम करने के बाद मुझे कंसल्ट किया गया और मैंने मैत्री भाव से कंसल्टेशन उसमें दी। इतना ही मामला है, मतलब मेरा मानना है कि दोनों तरह की कहानियाँ ज़रूरी हैं। कुछ लोगों ने स्ट्रगल करके अचीवमेंट हासिल किए इसकी भी, और कुछ लोग स्ट्रगल करके नहीं अचीव कर पाए तो उन्होंने ज़िंदगी कैसे गुजारी इसकी भी कहानी आनी चाहिए, दोनों कहानियाँ ज़रूरी हैं। सर हम फायर NOC की बात कर रहे थे, हम बात कर रहे थे कि फ्लडिंग भी हो सकती है, फायर NOC भी लेने चाहिए, लेकिन अर्थक्वेक का क्या? एकदम आ सकता है, और अर्थक्वेक आया तो 2-3-4 नहीं 400-500 जाने जा सकते। आज ही LG की मीटिंग के बाद एक वरिष्ठ सिविल सेवक, वहीं उनसे मेरी बात चल रही थी, दिल्ली में ही काम करते हैं, बहुत सीनियर सिविल सर्वेंट हैं, उन्होंने मुझसे अनौपचारिक बातचीत चल रही थी मैत्री वाले भाव से, उन्होंने मुझसे जो बात कही, जो बात हम समझते हैं, उन्होंने कहा कि ये वाटर वाली बात, फायर वाली बात पे हमारा फोकस है क्योंकि ये दिक्कतें दिख रही हैं, दूर होनी चाहिए, लेकिन जिस दिन दिल्ली में बड़ा भूकंप आ गया, उन्होंने कहा कि पूरी दुनिया में ऐसी त्रासदी नहीं हुई होगी जितनी यहाँ होने वाली है। और मैं फिर आपसे एक बात कह रहा हूँ, अभी कोचिंग इंस्टीट्यूट्स घेरे में हैं तो बात चल रही है, मैं आपको कुछ और बातें बताता हूँ, उन पर भी फोकस कर लीजिए थोड़ा सा। दिल्ली में ऐसे हजारों रेस्टोरेंट्स होंगे जिनमें जाने का एक रास्ता है, जहाँ खूब खाना पीना भी है, ड्रिंक्स भी हैं, अल्कोहल तो बहुत जल्दी आग पकड़ता है, एक रास्ता है। शाम के समय जो कम उम्र के बच्चे हैं, 80-100-150 बच्चे वहाँ पर होते भी हैं, डांस भी कर रहे होते हैं, कभी कभी स्मोक भी कर रहे होते हैं, एक चिंगारी कभी लग गई तो क्या होगा, आपको अंदाजा है इस चीज़ का। इसके अलावा दिल्ली में पिछले 3 या 4 बड़े फायर इंसिडेंट्स को ध्यान से याद कीजिए। कोचिंग इंस्टीट्यूट में एक हुआ जिसमें किसी की मृत्यु नहीं हुई थी पिछले साल, उसके पहले नरेला में एक इंसिडेंट हुआ, नरेला में हुआ या मतलब उपहार सिनेमा भी हुआ, उपहार तो बहुत पहले की बात हो गई। उसके बाद पिछले 4 साल में 5 साल में 2 इंसिडेंट्स हुए जिनमें करीब 30-30, 40-40 से ज़्यादा व्यक्तियों की जान गई, पर क्योंकि वो मजदूर थे इसलिए उनकी बात बहुत ज़्यादा उठी नहीं, किसी ने की नहीं उनकी बात, क्योंकि वो एक ऐसी बिल्डिंग में सो रहे थे, एक ही रास्ता था और नीचे से आग लग गई, जो अभी हाल ही में भारत के बाहर भी एक घटना घटी, बहुत से भारतीयों की जान गई जिसमें। अर्थक्वेक बहुत बड़ी त्रासदी होगा, फायर फ्लड से ज़्यादा फायर की चिंता हमें आमतौर पर लगती है क्योंकि फायर दिल्ली में होने का खतरा ज़्यादा होता है। और पुराने जो बाज़ार हैं, चांदनी चौक हो कोई बाज़ार हो, छोटी छोटी गलियों में जब आप ऊपर चढ़ते हैं एक दुकान में जहाँ 1 लाख साड़ियाँ टंगी हुई हैं, जहाँ 50-100 महिलाएँ साड़ी खरीद रही हैं, भगवान ना करे कभी कुछ हुआ तो क्या होगा, बहुत सारे प्रश्न हैं। दिल्ली का विकास बहुत सिस्टमेटिक सिटी के रूप में नहीं हुआ, चंडीगढ़ की तरह से नहीं हुआ है। 1962 के मास्टर प्लान में उन पुराने इलाकों को एग्जम्पशंस दी गई हैं ताकि वहाँ बिजनेस हार्म ना हो। एग्जम्पशन तो ठीक है, बिजनेस इंटरेस्ट में है, लेकिन जब आग लगती है तो वो एग्जम्पशन नहीं देती है। तो मैं जो विनम्र निवेदन करना चाह रहा हूँ कि ऐसा नहीं है कि बारूद के ढेर पर सिर्फ कोचिंग इंस्टीट्यूट बैठे हैं,
पूरी दिल्ली बैठी है, बहुत कम ऐसे संस्थान हैं, स्कूल है, कॉलेज है, यूनिवर्सिटी है, अस्पताल है, उनको ज़मीन मिलती है, मीडिया हाउसेस को ज़मीन मिल जाती है, बाकी लोगों को ज़मीन नहीं मिलती है। कोचिंग इंस्टीट्यूट को सरकार ज़मीन नहीं देती है, उनको खुद खरीदनी होती है, खुद रेंट पे लेना होता है, महंगे रेंट पे लेना होता है, फिर हर डिपार्टमेंट के साथ कम से कम ये ध्यान रखना होता है कि छोटी सी बात पे कोई हमला ना हो जाए। तो पक्ष सबका है, उनका भी है, और अच्छी बात है कि अगर हम एक स्थायी समाधान की ओर बढ़ें, मुझे उम्मीद है कि इस बार कुछ ना कुछ स्थायी होगा। सर, फैमिलीज़ भी ये न्यूज़ देख रही हैं, सोशल मीडिया पे हैं, वो भी देख रही हैं कि कैसे घटना सब कुछ हुआ, 3 बच्चों की जान गई। पेरेंट्स को आप क्या मैसेज देना चाहेंगे जो अपने बच्चों को भेजते हैं दिल्ली पढ़ने के लिए, बंगाल से, यूपी से, हरियाणा से, कि जाओ पढ़ो? जैसे ये जो बच्चे थे निविन केरल से था, ये जो तान्या बच्ची है वो तेलंगाना से, उसके पेरेंट्स भी थे, शायद एक यूपी से बच्ची है। मैं पेरेंट्स से ये कहना चाहूँगा कि जब वो आए दिल्ली में, चाहे हमारे पास आए चाहे कहीं भी जाए, केवल ये ना देखें कि इंस्टीट्यूट कितना अच्छा है, टीचर्स इतने अच्छे हैं, साथ में थोड़ा सा ये भी देखें कि सेफ्टी के प्रोविजंस कितने वहाँ पर हैं। खुद जाके देखें, क्लासरूम के अंदर जाके देखें। एक सिंपल सी कसौटी मैं आपको दे रहा हूँ। सबसे पहले हर पेरेंट और हर बच्चा जब भी किसी क्लासरूम में जाए, ये ध्यान से चेक कर ले कि अगर कोई दिक्कत हुई तो निकलने की संभावना है या नहीं। मैं सामान्य भाषा में कहूँ तो कम से कम 2 एग्जिट हैं या नहीं, बहुत बेसिक सा क्राइटेरिया है। मैं जानता हूँ कि ये कहने के बाद बहुत सारे इंस्टीट्यूट मुझसे नाराज़ हो जाएंगे, वो मुझे शायद बिरादरी से बाहर कर देंगे, लेकिन मैं साफ कह रहा हूँ, जिस क्लासरूम में, बिल्डिंग में निकलने के 2 रास्ते ना हों, 2 या 2 से ज़्यादा, वहाँ आपको क्लास नहीं करनी चाहिए। अगर वो हमारा भी है तो हमारे पास भी नहीं करनी चाहिए। और अब से एक नई बात यह है कि बेसमेंट, तो हम अभी ये सुनिश्चित करेंगे कि, मतलब बाकी राज्यों में बेसमेंट को लेकर ऐसे कठोर नियम शायद नहीं है, लेकिन हम कोशिश करेंगे कि हर जगह इस नियम को लागू करें। सर, आपने जो प्रेस रिलीज थी वो जारी की, उसमें आपने एक सुझाव भी दिया कि सरकार दिल्ली में 3 से 4 क्षेत्रों को चुनकर उन्हें कोचिंग स्थानों के लिए नियत करे। इस पर भी बात हुई LG साहब के साथ आपकी? नरेला के लिए जो DDA के वाइस चेयरमैन हैं शुभाशीष पंडा जी, उन्होंने बात आज भी रखी, और वो कह रहे हैं कि वहाँ पर हज़ारों की संख्या में घर तैयार हैं, जो कोचिंग इंस्टीट्यूट बनाने की बात है, हम आपको लैंड भी दे सकते हैं अगर आप कहेंगे, तो हम ऐसे बिल्डर से बात करेंगे जो आपको बना के दे देंगे। तो वो, मतलब अब देखते हैं कि कितना व्यावहारिक सब लोग स्वीकार कर पाते हैं, लेकिन एक प्रस्ताव तो दिया। उन्होंने रोहिणी की बात भी की, पर ये कहा कि रोहिणी में हमारे पास बने बनाए फ्लैट्स नहीं हैं, तो हमें उसमें थोड़ा सा टाइम लगेगा, लेकिन 1 से 1.5 साल में उम्मीद है कि कहीं ना कहीं एक ऐसा हब बन जाएगा। एक डेथ्स को भी लेकर सर काफ़ी सवाल उठ रहे हैं कि 3 स्टूडेंट्स नहीं थे, 3 से ज़्यादा थे, और कहीं ना कहीं मौतों को छुपाया जा रहा है। फिर एक इसका काउंटर आर्ग्यूमेंट ये भी आता है कि भाई जो लोग मरे हैं, जो बच्चे मरे हैं, स्टूडेंट्स मरे हैं, उनके पेरेंट्स और फैमिली सामने नहीं आ रहे हैं। दरअसल जब मुखर्जी नगर में ऐसा हुआ पिछले साल आग जब लगी, तो उस दिन भी ऐसा हुआ, अफवाह फैल गई कि शायद 15-20-30 बच्चों की डेथ हुई है और सरकार छिपा रही है। सरकार का पक्ष था कि डेथ एक ही बनी हुई है। तो मैं, क्योंकि मतलब मेरे बहुत सारे स्टूडेंट्स प्रशासन में हैं, तो मैंने दिल्ली की पुलिस में काम करने वाले एक वरिष्ठ अधिकारी को, जो इस मामले को समझ भी रहे थे, उनसे बात की। उन्होंने एकदम साफ साफ कहा कि सर, कैजुअल्टी नहीं है, बहुत सारे बच्चों को एम्बुलेंस इतनी सारी क्यों आई, ये सवाल था। बोले कि हमारे नॉर्म ये है कि किसी बच्चे को हल्की सी चोट भी हो तो हम उसको हॉस्पिटल लेके जाते हैं एम्बुलेंस में। और मैंने उनसे निवेदन किया, मैंने कहा आप एक काम करो, बच्चों को ऐसा लग रहा है कि उस बिल्डिंग के अंदर बहुत सारी लाशें हैं, आप हो सके तो एक बार बिल्डिंग के अंदर जाके उनको दिखा दो, 2-4-5 बच्चों को ले जाके। उसके बाद शायद उन्होंने ऐसा किया, MP साहब हमारे जो थे, मनोज तिवारी, उनको भी शायद दिखाया, कुछ बच्चों को शायद दिखाया गया। धीरे धीरे ये रूमर शांत हुआ। यहाँ की जो बात है, मेरा बच्चों से कहना ये कि अगर उनको निश्चित तौर पर ऐसी जानकारी है तो उन बच्चों का नाम बताएं जो मिसिंग हैं, जिनकी डेथ की बात है। जैसे मैंने आज ही कहीं पढ़ा कि एक बच्चे को मिसिंग बताया गया, वो बच्चा आज सामने आया कि मैं उस दिन वहाँ पर नहीं था, शायद नारायणा में कहीं रहता बच्चा। तो क्योंकि जब बच्चे निकले होंगे, कुछ बच्चे घायल होंगे, उनको लेके हॉस्पिटल गए होंगे, तो ये सीधी सी बात है, उस समय सबको ऐसा लगता है कि जितने लोग जा रहे हैं वो सब डेड बॉडीज हैं और बच्चों की चिंता लाजमी है। लेकिन अगर ऐसा एक भी नाम है जिस पर उनको डाउट है, वो नाम बताएं, उनके पेरेंट्स सामने हैं,
और जैसे ही कोई बच्चा सामने, मतलब बच्चे का नाम सामने आएगा, पेरेंट्स सामने आएंगे, तो सरकार को जवाब देना पड़ेगा। प्रशासन को लेकर जो मेरी अपनी समझ है वो ये है कि दिल्ली जैसे शहर में पब्लिक आई के बीच में होते हुए इतना आसान नहीं है छिपाना, लेकिन अगर शक है बच्चों को तो नाम बताना चाहिए, इन्वेस्टिगेशन होनी चाहिए इसकी। सर, एक नीलेश नाम का यूपीएससी एस्पिरेंट और था, उसकी कुछ दिन पहले जान चली गई थी करंट लगने की वजह से, अभी 3 बच्चों की जान चली गई है। एक सवाल बार बार लोगों के मन में उठता है, दिल में उठता है, डज ह्यूमन कॉस्ट हैव नो लाइफ इन इंडिया? मतलब ये बात ईमानदारी से कहें तो जैसे जैसे हम विकसित देश बनते हैं वैसे वैसे ह्यूमन लाइफ की कीमत बढ़ती जाती है। विकासशील देशों में, गरीब देशों में ह्यूमन लाइफ की कीमत उतनी नहीं होती है। मसलन नियम उतने हैं नहीं, रिसोर्सेज उतने हैं नहीं, इंफ्रास्ट्रक्चर उतना है नहीं, चलता रहता है, सबको पता है, फिर एक हादसा होता है, नाराज़गी होती है कुछ दिनों की, शांत हो जाता है। गुजरात में कुछ दिन पहले ऐसा हुआ कि एक नदी पे पुल टूटा, कितनी जाने चली गई, बहुत शोर मचा। गुजरात में ही हाल में गेमिंग जोन में आग लगी, कितने लोग मर गए। दिल्ली में पहले 2 फायर इंसिडेंट्स हुए थे, कितने लोगों की डेथ हो गई थी। ट्रेन एक्सीडेंट्स भी होते हैं, लेकिन क्योंकि इंफ्रास्ट्रक्चर को लेकर, संसाधनों को लेकर, हम रातों रात विकसित देश नहीं बन सकते। विकसित देशों ने आज से 50 साल पहले ये सब झेला है, इन सब चीज़ों को झेल कर नई नीतियाँ बने, नियम बने, चीज़ें ठीक हुई। वहाँ आबादी का दबाव थोड़ा कम रहता है, जगह उनके पास ज़्यादा है, हमारे पास आबादी भी ज़्यादा है जगह की तुलना में। ईमानदारी की बात है कि भारत में और ऐसे देशों में, पाकिस्तान में, किसी और देश की बात करें, ह्यूमन बीइंग की ज़िंदगी पर खतरे ज़्यादा हैं, और दिल्ली तो बहुत ज़्यादा है। जब गर्मियाँ होती हैं तो चिंता होती है कि कहीं आग ना लग जाए, सर्दियों में भी ऐसा होता है, अब बरसात में चिंता होने लगी है कि कहीं पानी ना घुस जाए। दिवाली आते आते अगले 4 महीने चिंता है कि जिसको लंग्स में दिक्कत है, अगर किसी को, मतलब अगर लंग्स से दिक्कत है तो बस वो बच जाए, क्योंकि पॉल्यूशन का लेवल इतना ज़्यादा होता है। तो निस्संदेह दिल्ली में जिंदा रहना भी एक चैलेंज होता है, चुनौती है। सर, स्टूडेंट्स जो प्रोटेस्ट कर रहे हैं उन्हें देख के लग नहीं रहा है कि उनका आक्रोश आने वाले 3-4 दिनों में कम होने वाला है। जब तक कोई सॉलिड उन्हें या तो प्रूफ नहीं मिलेगा कि सरकार कोई कदम उठा रही है, या कोई जस्टिस का कोई उन्हें रे ऑफ होप नहीं दिखेगा, तब तक लग नहीं रहा कि वो एक कदम पीछे लेने वाले हैं। अच्छी बात है कि आज की मीटिंग में 5 या 6 बच्चे जो उस मूवमेंट में हैं वो भी आए हुए थे, उन्हें दिल्ली पुलिस लेके आई थी, वो भी इस पूरे प्रोसेस के भागीदार हैं। और जो कमेटी बन रही है उस कमेटी में बच्चों का पार्टिसिपेशन भी है। एक बार मैं आपको रोकूं, उस कमेटी में कौन कौन है अगर आप बता पाएं तो? बच्चे, एलजी साहब ने जो उस समय कहा था, मैं बहुत एग्जैक्टली ध्यान नहीं कर पा रहा हूँ, लेकिन 4-5 इंस्टीट्यूट्स के लोग थे जिनमें एक मैं भी था, बच्चों की तरफ से 1 या 2 लोग रहने वाले हैं। जो दिल्ली के चीफ सेक्रेटरी हैं मेरे ख्याल से वो कमेटी के चेयरमैन होने वाले हैं, और अगर मैं ठीक याद कर पा रहा हूँ तो MCD के कमिश्नर और DDA के VC या उनके प्रतिनिधि उस कमेटी में होंगे, और दिल्ली फायर सर्विस के भी। सर, ये इंटरव्यू ख़त्म करना चाहूँगा, आपका एक आखिरी मैसेज, जो बच्चे जो प्रोटेस्ट कर रहे हैं, जो न्याय की मांग कर रहे हैं, आप उनसे ANI के थ्रू क्या कहना चाहेंगे, आखिरी मैसेज? मैं कहना चाहूँगा कि ये जो आक्रोश है ये बहुत रैंडम ना रहे, एक व्यवस्था सुधारने का माध्यम बने, और उसमें कुछ लोगों को कीमत चुकानी होगी, उनको चुकानी चाहिए, चाहे वो हम हों, चाहे MCD वाले कोई भी हों। और अगर इस आक्रोश की बदौलत वो दिल्ली में एक ऐसी रेगुलेटरी बॉडी बनवा लेते हैं कोचिंग इंस्टीट्यूट्स के लिए जो सब चीज़ों का नियमन करे, हॉस्टल्स के बारे में भी ध्यान से उनकी शिकायतों को सुने, समाधान करे, और यदि कोई एक ऐसा प्लेस मिल जाता है, क्योंकि कोचिंग इंस्टीट्यूट्स की वहाँ कॉस्ट काफ़ी कम होगी, अभी करोलबाग वगैरह में किराए इतने ज़्यादा हैं कि उनकी भी बहुत दिक्कतें हैं, ऐसा नहीं है कि उनके पास परेशानियाँ नहीं हैं। जब नई जगह पर होंगे किराए उनके बहुत कम हो जाएंगे, खर्चा भी कम हो जाएगा, फीस भी कम हो जाएगी, रहने की दुविधा भी कम हो जाएगी, हवा धूप वो सब चीज़ें भी मिलेंगी। तो अब मतलब वो कहते हैं ना कि दुष्यंत कुमार की भाषा में कि हो चुकी है पीर पर्वत सी पिघलनी चाहिए, पीड़ा जो है पहाड़ जैसी हो गई है, इस हिमालय से कोई गंगा निकलनी चाहिए। ये बच्चे भगीरथ बन सकते हैं, इस हिमालय से गंगा निकाल सकते हैं, और इस मामले में
मैं खुल के कह रहा हूँ कि मैं उनके साथ हूँ, इसमें कोई दुविधा नहीं है। और साथ में इतना ही नहीं बल्कि उन मैंने आज एलजी साहब से भी बात की, एलजी साहब ने निवेदन किया कि जिन बच्चों की मृत्यु हुई उनके माता पिता की स्ट्रगल्स भी हैं, तो हम तो सरकार की तरफ से जो मदद कर सकते हैं करेंगे, आप लोग भी करेंगे तो अच्छा होगा। मैंने उनको वायदा किया एलजी साहब को कि हम आगे बढ़ के मदद करना चाहेंगे, बशर्ते कि उनके पेरेंट्स ऐसा चाहें, उनको अपमान ना लगे। तो हम आज या कल में उन बच्चों से मिलेंगे, उन बच्चों के थ्रू उन बच्चों के पेरेंट्स से मिलेंगे जिनकी मृत्यु हुई, बात करेंगे। यदि संभव हुआ तो हम कोशिश करेंगे उनके घाव पर थोड़ी सी मरहम लगा सकें। सर बहुत बहुत शुक्रिया, नहीं से बात करें, बहुत धन्यवाद। थैंक्स अ लॉट, बहुत बहुत धन्यवाद।